हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली जीएस। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पीडी करंट अफेयर वाजिगांग 2021। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सितंबर 2020 से लेकर 1 अगस्त 2021 तक के इस बुक में दिए गए 2200 प्लस प्रश्नों को। और यहाँ पर वन लाइनर जितने भी प्रकार के प्रश्न हैं, 2200 प्लस प्रश्न हम सभी को कवर करने वाले हैं। वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्नों को हमने पहले ही चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो आप वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्नों को वहां से देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम वन लाइनर टाइप के सभी प्रश्नों को कवर करेंगे, और इसमें टोक्यो ओलंपिक से भी संबंधित जितने प्रश्न हैं उन सबको हम कवर करने वाले हैं। और ये सभी प्रश्न राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक पुरस्कार, सम्मान एवं खेल संबंधी महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं का विस्तृत संग्रह होगा, जो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और यहाँ पर ये सभी कंटेंट के अंतर्गत दिए गए हैं। टोटल यहाँ पर कितने चैप्टर है, तो टोटल इसमें 36 चैप्टर दिए गए हैं, जिसमें से करंट अफेयर, वस्तुनिष्ठ टाइप के करंट अफेयर हम पहले ही कवर कर चुके हैं। और आज इसमें हम देखने वाले हैं यहाँ पर ये वन लाइनर टाइप के सभी प्रश्न। और ये 59 पेज नंबर से लेके 96 पेज नंबर तक दिया है, तो आप वीडियो पे बने रहिएगा क्योंकि वीडियो लंबी हो सकती है, क्योंकि हम बहुत सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। 2000 से भी ज्यादा प्रश्न दिए गए हैं इसमें। तो चलिए हम अपने प्रश्नों को शुरू करते हैं। ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया है? तो यह भारत और रूस को घोषित किया गया है। 2020 सितंबर 2020 की गई घोषणा के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम कहां पर बनाया जाएगा? तो टॉय म्यूजियम दुनिया का सबसे बड़ा होगा और यह गुजरात में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय द्वारा वाटर हीरोज प्रतिस्पर्धा 2.0 का शुभारंभ किया गया? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिविल सेवा क्षमता के विकास के लिए किस कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की है? तो कार्यक्रम का क्या नाम है? मिशन कर्म योगी। नेक्स्ट है, किस विषय के साथ दुनिया भर में विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर 2020 को मनाया गया? तो 2 सितंबर 2020 को मनाया गया विश्व नारियल दिवस, और इसकी थीम क्या थी? इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। सितंबर 2020 को भारत की प्रथम किस महिला कार्डियोलॉजिस्ट का निधन हो गया? तो ये है, ये प्रथम महिला है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, डॉक्टर एस पद्मावती। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी है? तो हाल ही में एम वीरा लक्ष्मी को भारत की पहली एम्बुलेंस महिला ड्राइवर बनाया गया है। नेक्स्ट है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? ये कौन है? उषा पाढ़े। नेक्स्ट है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल हुआ है? तो कौन सा देश है? ये लद्दाख और लक्षद्वीप। ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। चर्चित जम्मू कश्मीर की 5 आधिकारिक भाषाएं कौन सी होंगी? तो ये कौन सी भाषाएं हैं? उर्दू, अंग्रेजी, डोगरी, कश्मीरी और हिंदी, ये 5 भाषाएं होंगी। ब्रिक्स के 2020 को ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया गया प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा। 48वां वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये जीता है भारत के पी ईयान ने। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने PUB पब समेत कितनी चीनी एप्स पर बैन लगाया था? 2020 में बैन लगाया गया था, तो आंसर क्या होगा? 118 है। G20 के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता किसने की? अभी जो अभी हम करंट अफेयर कर रहे हैं, अभी हम सितंबर महीने की कर रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। G20 के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो यह सऊदी अरब के द्वारा किया गया। साउथ इंडियन बैंक का MD एवं CEO किसे बनाया गया था? तो किसे बनाया गया था 2020 में? मुरली राम कृष्णन को। किस राज्य के विधानसभा ने राज्य के धरोहर स्थलों की सुरक्षा के लिए विधेयक पारित किया? तो किसके द्वारा किया गया? असम विधानसभा के द्वारा। भारत ने किस देश से अत्याधुनिक AK-203 राइफल भारत में बनाने हेतु एक बड़े समझौते को अंतिम रूप दिया है? तो ये रूस है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय ने पिनाका रॉकेट खरीदने के लिए भारतीय कंपनी BEML, TPCL और LNT के साथ कितने रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये 2580 करोड़ रुपए का हस्ताक्षर किया गया है। राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की कारोबार सुगमता रैंकिंग 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है।
टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर क्या करने का ऐलान किया है? तो वोडाफोन आइडिया का नाम वी हो गया है। हाइपरसोनिक यान का सफल परीक्षण करने वाला दुनिया का चौथा देश कौन बना है? तो दुनिया का चौथा देश भारत बनाया गया है। संविधान की वकालत करने वाले एवं केरल स्थित इडनीर मठ के किस प्रमुख का निधन हो गया? तो ये कौन थे? स्वामी केशवानंद भारती। नेक्स्ट है, किस बैंक ने अपने 115वें स्थापना दिवस पर सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो किस बैंक के द्वारा किया गया है ये? बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। 100 इंटरनेशनल गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो ये कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर पत्रिका गेट का उद्घाटन किया? तो पत्रिका गेट का उद्घाटन कहाँ किया गया? जयपुर राजस्थान में। फैंटसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्मों प्लेयर्स पॉट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो किसे बनाया है? भुवनेश्वर कुमार व स्मृति मंधाना को। किस विषय के साथ 10 सितंबर 2020 को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया? तो इसकी थीम क्या थी विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की, और ये कब मनाया गया? 10 सितंबर को मनाया जाता है। वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। भारतीय मूल के किस अंतरिक्ष यात्री के नाम पर अमेरिका में अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है? तो कौन है ये? ये है कल्पना चावला। वुशु वर्ल्ड चैंपियन का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता है ये? पूनम खत्री ने। कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ करने वाला भारत का सबसे पहला हवाई अड्डा कौन बना? तो ये दिल्ली बनाया गया। किस थीम के साथ 12 सितंबर 2020 को दुनिया भर में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया गया? तो इसकी थीम क्या थी? फर्स्ट एड सेव लिप्स। नेक्स्ट है, भारत के सबसे बड़े सुअर पालन परियोजना पिगड़ी मिशन का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो ये मेघालय में किया गया। यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान के सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बनी है? तो कौन बनाए गए हैं ये? आयुष्मान खुराना। किस रिपोर्ट के अनुसार एयरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण कहाँ में आयोजित किया जाएगा? तो यहाँ पर सितंबर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर कहाँ पर एयरो इंडिया का यहाँ पर आयोजन किया जाएगा? नहीं, ये किया जा चुका है। तो ये कहाँ पर किया गया था? बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया। वे पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो वे 11वीं लोकसभा के लिए 1996 में निर्वाचित हुए थे। इमामी लिमिटेड कंपनी के हाइजीन रेंज के उत्पादों का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया है? तो जूही चावला है। दिल्ली एवं क्रिकेट संघ DDCA का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है बदर दुर्रेस अहमद। सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO किसे चुना गया है? तो ये है जेन फ्रेजर को। किस राज्य सरकार ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना शुरू की है? तो ये उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया है। फार्मूला वन का टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता? तो ये लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक ADB ने भारत के कंट्री डायरेक्टर के तौर पर किसे नियुक्त किया है? तो ये है टेको कोनेसी। 15 सितंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो मनाया गया अभियंता दिवस, इंजीनियर्स डे तथा अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। अमेजॉन एलेक्सा को अपनी आवाज देने वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो ये हैं अमिताभ बच्चन। यूरो मनी द्वारा 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? आदित्य पुरी को। 16 से 30 सितंबर 2020 के बीच कौन सा स्वच्छता पखवाड़ा दिवस मनाया गया? तो ये भारतीय रेलवे। किस कंपनी ने SBI के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी लॉन्च की है? तो किसके साथ मिलकर किया है ये? SBI ने, तो टाइटन कंपनी के साथ में। नेक्स्ट है, 5-स्टार COVID-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? इटली के रोम स्थित फिमिसिनो एयरपोर्ट। 17 सितंबर 2020 को किस विषय के साथ विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया? तो इसकी थीम क्या थी? हेल्थ वर्कर सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। नेक्स्ट है, पुरुष फीफा रैंकिंग में 2020 के पुरुष फीफा रैंकिंग में भारतीय टीम किस स्थान पर रही है? तो इसमें 190 स्थान पर रही है भारतीय टीम, और प्रथम स्थान पे कौन रहा है? तो बेल्जियम प्रथम पे रहा है। COVID-19 के सभी प्रोटोकॉल लागू करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन बना था? तो ये था इटली का फ्यूमिसिनो एयरपोर्ट। नेक्स्ट है,
पहली बार वैश्विक स्तर पर कौन सा दिवस 18 सितंबर 2020 को मनाया गया? तो अंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया गया 18 सितंबर को, और यह वैश्विक स्तर पर मनाया गया और पहली बार मनाया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 18 सितंबर 2020 को किस विषय के साथ विश्व जल निगरानी दिवस मनाया गया? सॉल्व वाटर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये कौन बना है? मेक्सिको। वैश्विक स्मार्ट सिटी सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो वैश्विक स्मार्ट सिटी सूचकांक में पहले स्थान पर सिंगापुर रहा है। एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए सेफ विकास खन्ना को चुना गया है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में भारतीय शहरों में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें हैदराबाद स्मार्ट सिटी 2020 में हैदराबाद शीर्ष पर रहा है। 18 सितंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो मनाया क्या गया था? विश्व बांस दिवस। 19 सितंबर 2020 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस की थीम क्या थी? अचीविंग अ ट्रेस फ्री कोस्ट लाइन। नेक्स्ट है, किस बैंक ने ग्राहक सेवाओं के विस्तार करने के लिए आई लीड 2.0 सिस्टम लॉन्च किया है? तो ये केनरा बैंक के द्वारा किया गया है। आईपीएल 2020 का पहला मैच किस टीम ने जीता? तो किसने जीता था? चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को हराकर जीता था। किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। कोरोना काल के दौरान दुनिया का पहला खुशियों का म्यूजियम हैप्पीनेस म्यूजियम खोला गया, कहाँ पर खोला गया? तो ये डेनमार्क में खोला गया। किस भारतीय युवा को यूएन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया? तो ये कौन है? उदित सिंघल। नेक्स्ट है, कौन सा देश जिबूती आचार संहिता में पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल हुआ है? तो भारत हुआ है। 20 सितंबर 2020 को जारी फोर्ब्स रैंकिंग के अनुसार सबसे अधिक वेतन पाने वाले फुटबॉल खिलाड़ियों में शीर्ष पर कौन है? तो ये है लियोनेल मेसी। सांसदों के वेतन में एक वर्ष के लिए कितने प्रतिशत कटौती करने वाले विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित किया गया? तो 30% की कटौती की गई थी। 72वें पुरस्कारों के तहत आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये है सक्सेशन को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया? तो ये बिहार राज्य में किया गया। नेक्स्ट है, आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में भारत की शिशु मृत्यु दर IMR कितनी हो गई? तो टोटल 1000 बच्चों पर 32 बच्चों की मृत्यु हुई है। 72वें एमी पुरस्कारों के तहत सबसे ज्यादा पुरस्कार किसे मिला है? तो ये किसे में दिया गया है? स्टिच क्रीक को दिया गया है। नेक्स्ट है, किस विषय के साथ विश्व अल्जाइमर दिवस लेट्स टॉक अबाउट डेमेंटिया मनाया गया? विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया तो इसकी थीम क्या थी? किस विषय के साथ विषय क्या था इसका? लेट्स टॉक अबाउट डेमेंटिया। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर 10 बार चढ़ने वाले नेपाल के किस महान पर्वतारोही का निधन हो गया? तो ये कौन थी? अमृता शेरपा। टाइम मैगजीन द्वारा 2020 के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया? तो ये कौन थे? आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट है, चिकित्सा शिक्षा के लिए वर्ष 2020 के आईजी नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो चुना गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। सिल्क प्रौद्योगिकी कंपनी ग्रेट लर्निंग ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो विराट कोहली को बनाया है। राफेल की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो कौन बनाई गई? वाराणसी की शिवांगी सिंह। 23 सितंबर 2020 को किस थीम के साथ में अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया? तो साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने स्वचालित मार्ग से रक्षा क्षेत्र में FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो अब 74% कर दिया गया है FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है सीमांचल दास। किन दो देशों के बीच पहली कार्गो फेरी सेवा संयुक्त रूप से शुरू की गई? तो भारत और मालदीव के बीच की गई।
नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे भारत की महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये कौन है? नीतू डेविड। भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो डेनमार्क के साथ में किया है। केंद्र सरकार ने कितने राज्यों को खुले बाजार से 99.13 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दी है? तो 5 राज्यों को। एडीबी ने राजस्थान के शहरों के लिए कितने मिलियन डॉलर ऋण की मंजूरी प्रदान की? तो एडीबी ने 300 मिलियन डॉलर की मंजूरी प्रदान की है। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मोसिक माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने विकसित किया है? तो ये IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। 25 सितंबर 2020 को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अचोड़ी योजना शुरू की गई? तो असम सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, किसने अपना नया ब्रांड अभियान संपर्क सहित कनेक्शन शुरू किया है? तो ये SBI कार्ड के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र को ऑनलाइन माध्यम से संबोधित किया? तो ये 75वां सत्र था। नेक्स्ट है, 26 सितंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 27 सितंबर 2020 को किस विषय के साथ विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया? तो टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट इसकी थीम थी। 27 सितंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इस दिन बेटी दिवस मनाया जाता है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की नई न्यायाधीश के रूप में कौन नामित की गई? तो ये कौन है? एनी कोनी बैरेट। नेक्स्ट है, पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 किसने जीता? तो ये केरल टूरिज्म ने जीता है। फार्मूला 1 का रशियन ग्रैंड प्री किसने जीता? 2020 का है ये, तो ये जीता वॉल्टेरी बुट्टास ने। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किसे अपना सलाहकार नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया उन्होंने? सुनील सेठी को नियुक्त किया। डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 को किसने लॉन्च किया? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। वर्ष 2020-21 के लता मंगेशकर सम्मान से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई थी? तो उषा मंगेशकर को। भारत ने स्वदेशी बूस्टर युक्त किस स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो ये ब्रह्मोस है। संयुक्त राष्ट्र ने किस अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया? तो सोनू सूद को किया। 30 सितंबर 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। महिलाओं को यात्रा में सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऑपरेशन मेरी सहेली योजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो ये शुरू की गई दक्षिण पूर्व रेलवे के द्वारा। 30 सितंबर 2020 को SFMS पर डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग फैसिलिटी वाला पहला बैंक कौन बना? तो ये IDBI बैंक बना है। कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 दिया गया? 14 वैज्ञानिकों को। 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 टेटे विश्व कप चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो डरबन के द्वारा किया जाएगा 2023 के टेटे विश्व कप चैंपियनशिप की मेजबानी। गांधी जयंती के अवसर पर किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया। केरल राज्य का पहला मेगा फूड पार्क किस जिले में शुरू किया गया है? पलक्कड़ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में अटल सुरंग का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग का उद्घाटन किया गया है। किस राज्य ने स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान के लिए प्रथम पुरस्कार जीता है? तो गुजरात ने जीता है। लंदन मैराथन में किस एथलीट ने प्रथम स्थान हासिल किया? तो गुजरात ने लंदन मैराथन में प्रथम स्थान हासिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ये जीता है विष्णु शिवराज पांडियान ने 10 मीटर एयर राइफल में। किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित रेस 2020 सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो नरेंद्र मोदी ने किया। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? गुजरात को। भारतीय मूल के किस दिवंगत अंतरिक्ष यात्री के नाम पर वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया? कल्पना चावला। 7 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व कपास दिवस।
एक दिन के लिए फिनलैंड के प्रधानमंत्री का पद संभाला? तो ये है एवा मोल्टे। सौर मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया? तो ये उड़ीसा के बालासोर में किया गया, सौर मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण। कौन सा हवाई अड्डा AAI का पहला 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है? तो ये है पुदुचेरी हवाई अड्डा। UGC ने देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है? तो टोटल 24 विश्वविद्यालय हैं। किस देश ने टसिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये रूस के द्वारा किया गया है। मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब MCC की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये है क्लेयर कोनोर। ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल मुहैया कराने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये गोवा बन गया है। यूरोपीय संघ की संसद ने 2030 तक कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन में कटौती हेतु मतदान किया? तो 2030 तक 50% कार्बन उत्सर्जन की कटौती की जाएगी। फोर्ब्स की सूची में कौन से देश के सबसे धनवान व्यक्ति बन गए हैं? तो भारत देश के सबसे धनवान व्यक्ति मुकेश अंबानी हैं। भारतीय कपास के लिए किस नाम से पहले ब्रांड और लोगो का लोकार्पण किया गया है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? कस्तूरी। 9 अक्टूबर 2020 को किस लड़ाकू विमान से भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो ये है Sukhoi-30MKI। किस राज्य सरकार ने उस शिक्षा में ई लर्निंग के लिए यूट्यूब चैनल यहाँ पर DISHTAVO शुरू किया है? तो ये गोवा के द्वारा किया गया है। किस देश के फिनिक्स सेटलमेंट को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया? तो ये दक्षिण अफ्रीका का है। किस राज्य के प्रसिद्ध कवि नित्यानंद को 41वां सरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये उड़ीसा के हैं। नेक्स्ट है, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी? तो ये है मिंटी अग्रवाल। किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने फार्मूला वन से हटने की घोषणा की है? तो ये होंडा ने की है। स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो नरेंद्र मोदी ने किया। नगोर्नो काराबाग क्षेत्र को लेकर किन दो देशों के बीच में विवाद है? तो ये नगोर्नो काराबाग क्षेत्र के बीच किसके बीच है? तो ये अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में विवाद है। DRDO ने रुस्तम 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये रुस्तम 2 क्या है? तो यह एक ड्रोन है। भारत के कितने समुद्र तटों को अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो टोटल 8 तटों को अभी तक प्राप्त हुआ है। 12 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अर्थराइटिस डे मनाया गया। PM नरेंद्र मोदी ने किसके सम्मान में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? तो ये विजया राजे सिंधिया के सम्मान में किया गया। भारतीय मूल के किस शिक्षाविद को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन नियुक्त किया गया है? तो ये है श्रीकांत दातार। किस पेमेंट बैंक के द्वारा मानव ATM शुरू किया गया है? तो ये है फिनो पेमेंट बैंक। पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये केरल है। 13 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में नेचुफू सुरंग की आधारशिला रखी है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में रखी है। 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये हैं शोएब मलिक। नेक्स्ट है, किस टीम ने नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन फाइनल्स 1920 का खिताब जीता है? तो ये जीता है लॉस एंजल्स लेकर्स ने। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य के सबसे बड़े ऑक्सीजन उत्पादक संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो ये है गाजियाबाद। प्रतिष्ठित सेंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है हरीश कोटेजा ने। PM नरेंद्र मोदी ने दे विजावा कारणी नामक पुस्तक का विमोचन किया है, यह किसकी आत्मकथा है? तो ये है बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा। किस बैंक ने गूगल पे के साथ मिलकर ACE क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो एक्सिस बैंक। पंजाब सरकार ने सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत महिला आरक्षण को मंजूरी प्रदान की है? तो 33%।
किस संस्थान ने भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल HFC प्रोटोटाइप कार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये है CSIR। अक्टूबर 2020 को भारतीय सेना और किस राज्य की पुलिस ने आतंकवादी विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया? तो ये भारतीय सेना और महाराष्ट्र के बीच किया गया। किस देश की सरकार ने दुष्कर्म के मामले में मृत्यु दंड की सजा देने का फैसला किया है? तो ये बांग्लादेश की सरकार के द्वारा किया गया। भारत पे ने कितने क्रिकेट स्टार्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये 11 है। किस राज्य सरकार ने मापुसा और पोंडा नामक दो नए पुलिस जिले बनाने का निर्णय लिया है? तो ये गोवा के द्वारा किया गया है। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की साल 2021 की वार्षिक बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो ये है बर्गन स्टॉक। FATF में पाकिस्तान को किस सूची में डाला गया है? तो पाकिस्तान को FATF में ग्रे लिस्ट में डाला गया है। किस देश को अगले 2 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र रूप से अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये कौन है अध्यक्ष, कौन चुने गए हैं? भारत और फ्रांस के हैं ये। नेक्स्ट है, किस राज्य ने स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन पहल की शुरुआत की है? तो ये ओडिशा है। किस देश के साथ समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के प्रयासों के तहत भारत उसे अपनी सिंधु वीर पनडुब्बी देगा? म्यांमार है। सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसने जीता? तो ये बैंक ऑफ घाना के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है, खाद्य और कृषि संगठन के स्थापना दिवस पर कितने 16 अक्टूबर 2020 को खाद्य और कृषि संगठन के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री ने कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? तो 75 रुपए का। मशहूर डॉल कंपनी बार्बी ने किस भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी को समर्पित बार्बी डॉल लॉन्च की है? तो ये है मानसी जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी फसलों की अधिक पोषण वाली 17 किस्में राष्ट्र को समर्पित की हैं? तो इसकी संख्या 8 है। विश्व एथलेटिक्स हाफ मैराथन प्रतियोगिता गिडनिया 2020 का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो ये है कॉन्स्टेंटिना डिटा। नेक्स्ट है, जीएसटी मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने कितने करोड़ रुपए उधार दिए हैं? तो 1.1 लाख करोड़। 2020 को जारी लॉन्सेट मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा बढ़कर कितने साल हो गई है? तो 70.8 साल। मार थोमा पेट्रो मेट्रोपॉलिटन का निधन हो गया, वे कौन थे? तो ये थे मार थोमा, ईसाई समुदाय के प्रमुख थे। किस राज्य सरकार ने माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम की घोषणा की है? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा किया गया है। हाल ही में किस देश के पासपोर्ट को सबसे शक्तिशाली घोषित किया गया है? तो न्यूजीलैंड का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है। किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में 20% भर्ती महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है ये। किस राज्य के संरक्षण स्थल आसन को रामसर स्थल का दर्जा मिला है? तो ये आसन जो स्थल है यह उत्तराखंड में स्थित है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये है ऐश्वर्या श्रीधर। आयुष्मान सहकार योजना का शुभारंभ किसने किया? तो नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया। किस राज्य के राज्यपाल ने महिलाओं के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया। 2020 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कृषि निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो 14.8%। केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा उम्मीदवारों की अधिकतम व्यय सीमा कितने प्रतिशत बढ़ा दी है? तो 10%। भारत के किस राज्य में पहली बार हींग की खेती की शुरुआत की गई? तो हिमाचल प्रदेश है। भारत OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में किस स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर है। 2020 को देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास किस राज्य में किया गया? तो ये असम में किया गया है। नेक्स्ट है, नासा ने क्षुद्र ग्रह बेनु से नमूने इकट्ठा करने के लिए कौन सा अंतरिक्ष यान भेजा है? तो ये है ओरिसिस रेक्स। IPL के इतिहास में लगातार 2 मैचों में शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ये हैं शिखर धवन। भारतीय नौसेना में कौन सा पनडुब्बी भेदी युद्धपोत शामिल किया गया है? तो ये युद्धपोत है INS कवरत्ती।
राज्य कृषि कानून को लागू ना करने वाला पहला राज्य कौन बना? पंजाब। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो हरियाणा शीर्ष पर है। आईआईटी किस आईआईटी संस्थान ने कोविड-19 जांच के लिए कोवी रैप किट विकसित किया है? तो ये आईआईटी खड़गपुर के द्वारा विकसित किया गया। नासा द्वारा चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस कंपनी का चयन किया गया है? तो ये है नोकिया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के रूप में किस भारतीय को चुना गया है? तो ये है अपूर्व चंद्र। भारतीय मूल के किस डॉक्टर को आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन अवार्ड से अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये है डॉक्टर जैजनी वर्गीज। नेक्स्ट है चुनाव आयोग लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान उम्मीदवारों के खर्च के सीमा से जुड़े मुद्दों की जांच हेतु किन दो सदस्यीय समिति गठित की गई है? तो ये हैं हरीश कुमार और उमेश सिन्हा। विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां पर किया गया? गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होने वाला 190वां सदस्य देश कौन बन गया है? तो ये है अंडोरा। किस देश को 35 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अध्यक्षता मिली है? तो ये भारत है। किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति 2020-25 की घोषणा की है? तो कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है। किस राज्य सरकार ने सुनंदा सम्मान की स्थापना की है? तो ओडिशा ने। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल क्रियान्वयन में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो ये है मंडी, हिमाचल प्रदेश। किसने वैश्विक ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा के लिए 60 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ये है स्पेस एक्स। किस राज्य सरकार ने आतंकवादियों के आत्मसमर्पण करने पर 1,00,000 की सहायता देने की घोषणा की है? तो ये त्रिपुरा के द्वारा किया गया है। सैंड कहाँ में सैंड ड्यून पार्क के लिए विश्व बैंक द्वारा 3 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी प्रदान की गई? तो ये सैंड ड्यून पार्क कहाँ पर बनेगा? गोवा के लिए है। FATF ने पाकिस्तान को किस अवधि तक ग्लोबल वॉचडॉग की ग्रे लिस्ट में रखने की घोषणा की है? तो फरवरी 2021 तक। किस राज्य ने नीम जी ई रिक्शा को विकसित किया है जिसे दूसरे देशों को निर्यात किया जाएगा? तो ये केरल के द्वारा किया गया है। किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी की घोषणा की? बांग्लादेश के द्वारा किया गया। किस स्कूल बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए फेस रिकग्निशन सिस्टम शुरू किया है? तो ये CBSE बोर्ड के द्वारा किया गया है। किसने लॉस वेगास में सीजे कप को जीतकर अपना पहला PGA टूर हासिल किया है? तो ये जैसन कोकरक है। पोलैंड के एक चौराहे स्क्वायर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये है हरिवंश राय बच्चन। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना को लागू करने वाला शीर्ष राज्य कौन बन गया है? तो ये है उत्तर प्रदेश। किस राज्य के गुमला में जोगिंदर वार मेमोरियल का उद्घाटन किया गया? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। सखारो पुरस्कार 2020 से किसे दिया गया? ये 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो ये है बेलारूसी आंदोलन को नेतृत्व करता है इसके श्वेतलाना तिखानोवत्स्काया। किस देश ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जापान के द्वारा किया गया है। कहां पर सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग रोकने के लिए प्लास्टिक प्रीमियर लीग प्रतियोगिता शुरू की गई? तो ये इंदौर में की गई। देश के भरोसेमंद 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे भरोसेमंद मानव ब्रांड के रूप में कौन उभरा है? तो ये है अमिताभ बच्चन। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 का विषय क्या है? तो ये है सतर्क भारत समृद्ध भारत। किस राज्य की काबरतल आर्द्रभूमि को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया? तो ये काबरतल आर्द्रभूमि कहाँ पर है? ये बिहार की है। 28 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस। जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का उद्घाटन कहां पर किया गया? उत्तराखंड में। 6वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ओम बिरला ने। ई बोर्डिंग को सक्षम करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? हैदराबाद एयरपोर्ट। सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये है केरल। नेक्स्ट है
कहाँ पर रानी पद्मावती का स्मारक बनाने की घोषणा की गई? तो ये भोपाल में बनेगा। तूफान जेटा ने किस देश के लुसियाना राज्य को अपनी चपेट में लिया? तो ये अमेरिका का है। कहाँ पर युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ किया गया? तो ये तमिलनाडु में किया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल एवं सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया? तो ये ओडिशा सरकार के द्वारा, ओडिशा के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2021 में वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये है लुसर्न बर्गेन स्टॉक। किस भारतीय संगठन ने यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 जीता है? तो ये है ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिएशन। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने किस नाम से मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है? साई है, इसका फुल नाम क्या है? सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट। 30 अक्टूबर 2020 को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया? तो मनाया गया विश्व मितव्ययिता दिवस। नेक्स्ट है, 31 अक्टूबर 2020 को स्पाइस जेट ने कहाँ में भारत की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत की? तो गुजरात में किया गया। 31 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो मनाया गया राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। भारत के किस रेलवे जोन ने बैग ऑन व्हील्स सेवा की शुरुआत की है? तो ये उत्तर रेलवे के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, चालू वित्त वर्ष में भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार कौन बन गया है? तो ये है चाइना। 1 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व शाकाहारी दिवस। किस टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया? तो ये है कार्बेट टाइगर रिजर्व। लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये असम बन गया है। कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता बन गया है? तो सबसे ज्यादा कचरा अमेरिका में निकलता है। नेक्स्ट है, किसने 200 किलोमीटर पैदल किसने यहाँ पर 200 किलोमीटर पैदल यात्रा वाले फिट इंडिया वॉक थॉन का उद्घाटन राजस्थान में किया है? तो ये किरण रिजू के द्वारा किया गया है। भारतीय मूल की दिया मेहता की फिल्म फनी बॉय किस देश से ऑस्कर अवार्ड 2021 के लिए नामित की गई है? कनाडा। 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता है? ली बेयंग होम। भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नागपुर महाराष्ट्र में। दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभ्यास कहाँ शुरू किया गया है? चाइना में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फोर्टिफाइड चावल के वितरण की योजना शुरू की है? तो ये छत्तीसगढ़ के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल ने एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने महिला वैज्ञानिक की सहायता के लिए कौन सी योजना शुरू की? तो योजना का क्या नाम है? सर्व पावर। नेक्स्ट है, किसने इस सीजन के पांचवें खिताब एस्ट्रे बैंक ओपन 2020 जीता है? तो ये है एंड्रे रूबलेव, नाम है इनका। यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया? तो ये है पन्ना टाइगर रिजर्व और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। किस देश ने इच्छा मृत्यु के लिए जनमत संग्रह कराया? न्यूजीलैंड के द्वारा करवाया गया। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये केरल में किया गया। साइमन अनहोल्ट और इप्सास द्वारा जारी नेशनल ब्रांड इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें जर्मनी शीर्ष पर रहा है। भारत में 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? MIC रेडवुड। भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर किसे चुना गया है? तो ये है मोबाइल प्रीमियर लीग MPL। किस भारतीय खिलाड़ी को एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये है KL राहुल। नेक्स्ट है, कहाँ पर प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक पहल की शुरुआत की गई? तो कहाँ पर की गई ये पहल की शुरुआत? देहरादून उत्तराखंड में। किस शहर में विमेन्स T20 चैलेंज 2020 आयोजित किया गया? तो ये है शारजाह UAE। इमेट लीही पुरस्कार 2020 पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये हैं दिनेश कात्रे। विश्व वन्य जीव कोष WWF के एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के कितने शहरों में 2050 तक पानी का तीव्र संकट आ सकता है? तो ये टोटल
30 शहर हैं भारत के जहां 2050 तक पानी का संकट आ सकता है। नेक्स्ट है 5 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। डीआरडीओ ने किस स्थान से पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया है, तो ये है चांदीपुर ओडिशा। एयर कैरियर की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो ये है हरप्रीत एडी सिंह। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने निगरानी उपग्रह प्रहरी 6 लॉन्च करने की घोषणा की है, तो ये नासा ने किया है। ओपन एरा में 1000 मैच जीत दर्ज करवाने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ये हैं राफेल नडाल। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक तौर से बाहर हुआ था, तो ये अमेरिका हुआ था, लेकिन अब फिर इस बार इसमें इन्होंने शामिल होने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट है सार्क सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की समूह की 40वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की, तो ये शशिकांत दास के द्वारा की गई। इंटरनेशनल डेब्यू से पहले 100 आईपीएल मैच देखने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं, तो ये बने हैं सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट है बल्लेबाज की नवीनतम आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है, तो ये है विराट कोहली। इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ पीएसएलवी C49 सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो टोटल 10 उपग्रहों के साथ में किया था। नेक्स्ट है संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आरंभ हुआ, तो ये ओडिशा में आरंभ किया गया। नीति आयोग द्वारा जारी महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है, तो ये है चंदौसी। किस राज्य में कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए मिशन संपूर्ण पहल की शुरुआत की गई, तो ये असम में किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा हाथी देखभाल केंद्र किस राज्य में बना है, तो ये केरल में बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां में रो पॉक्स फेरी सेवा का उद्घाटन किया है, तो ये गुजरात में किया है। 8 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो मनाया गया विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 8 नवंबर 2020 को किसने हैशटैग कोरोना सेंड्स नो नोटिफिकेशन नामक अभियान शुरू किया, तो ये भारती एक्सा के द्वारा शुरू किया गया है। विश्व मुद्रा भंडार में भारत कौन से स्थान पर है, तो इसमें भारत 5वें स्थान पर आ गया है। अक्टूबर 2022 में किस खाड़ी देश में पहली बार चुनाव होंगे, तो कतर में पहली बार 2022 में चुनाव करवाए जाएंगे। किस राज्य ने मछली पकड़ने वाले समुदाय के लिए पर्यावरण स्थायी कार्यक्रम परिवर्तनम शुरू किया है, तो ये गुजरात के द्वारा किया गया है। 9 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो मनाया गया राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। विद्या बालन की कौन सी शॉर्ट फिल्म ऑस्कर की रेस में शामिल हुई, तो ये है नटखट। इसके निदेशक कौन है, शान व्यास। भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया, तो तमिलनाडु को घोषित किया गया। केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य में लुहरी हाइड्रो पावर परियोजना को मंजूरी दी है, तो ये हिमाचल प्रदेश है। किस टीम ने T20 चैलेंज खिताब जीता है, तो ये जीता है ट्रेल ब्लेजर्स। उप विजेता कौन है, तो ये है सुपर नोवाज। किस देश को आतंकवाद के प्रायोजक देशों की सूची से हटाया गया है, तो ये है सूडान। किस अरब देश ने अविवाहित जोड़ों को साथ रहने की आज़ादी प्रदान की गई है, तो ये UAE के द्वारा प्रदान किया गया है। 10 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो इस दिन मनाया गया शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। किस राज्य में ग्रामीण निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का विधेयक पारित किया, तो ये हरियाणा में किया गया। कॉलिंस डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना है, तो इस शब्द का क्या नाम है, तो ये है लॉकडाउन। हारून इंडिया की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे दानवीर भारतीय बने, तो ये हैं अजीम प्रेमजी। कौन सा राज्य पढ़ना लिखना अभियान कार्यक्रम का हिस्सा बना है, तो ये है केरल। किस केंद्रीय मंत्री ने 13वें अर्नब मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किया, तो ये है हरदीप सिंह पुरी। किस राज्य में देश के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चौंटी पुल का उद्घाटन किया, तो ये किसके द्वारा किया गया, उत्तराखंड। दुनिया का सबसे कम उम्र में कंप्यूटर प्रोग्रामर बनकर किसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो ये है अरहम ओम तलसानिया। नेक्स्ट है टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एकमात्र भारतीय प्रविष्ट कौन सी है, तो ये है कारखानी सांची बारी। टेनिस में 1000 मैच जीतने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो ये हैं राफेल नडाल।
17वें आसियान शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता किन दो देशों ने की है? तो ये भारत एवं वियतनाम के द्वारा किया गया। 12 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इस दिन मनाया गया विश्व निमोनिया दिवस। नेक्स्ट है, किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया जाएगा? तो ये गुजरात में बनाया जाएगा। किस राज्य में राइट टू रिकॉल विधेयक पारित किया गया? तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी नीति सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये है केरल। ITTF महिला विश्व कप खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है चेन मेंग ने। उप विजेता कौन रही है? सुन यंगसा। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने 5वीं स्कॉर्पिन पनडुब्बी वगैरह का कहाँ पर जलावतरण किया है? तो ये कहाँ किया गया है? मुंबई में। बॉडी मास इंडेक्स BMI में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो ये है नीदरलैंड। भारत सरकार ने केसर उत्पादन को किस उत्तर पूर्व क्षेत्र तक फैलाया है? तो सिक्किम तक फैलाया गया है। नेक्स्ट है, 13 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इस दिन मनाया गया राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। किस राज्य के कडप्पा जिले ने जल संरक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये है आंध्र प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन रोजगार नामक अभियान शुरू किया? तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया। कवि गीतकार गुलजार के जीवन पर प्रकाशित पुस्तक का क्या नाम है? तो इसका नाम है बोस कियाना। किस राज्य के CM ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर शुरू किया? तो ये हरियाणा के द्वारा किया गया। मेक्सिको के किस शहर को यूनेस्को द्वारा वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया गया है? तो ये है ग्वाडलहारा। नेक्स्ट है, किस देश के सादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता है? तो ये बांग्लादेश की है। किस राज्य सरकार ने कोरोना मरीजों को मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन के लिए जीवन सेवा ऐप लॉन्च किया? तो ये दिल्ली की सरकार के द्वारा किया गया। 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो किसने किया था? एस जयशंकर ने। किसे विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में मान्यता दी गई? तो ये है अभिजीता गुप्ता। नेक्स्ट है, किस संस्थान को यूएन पॉपुलेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये है हेल्प ऐप इंडिया। पावरफुल MI प्रोसेसर चिप को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ये एप्पल के द्वारा किया गया है। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके सम्मान में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया? तो ये है विजय वल्लभ सुरेश्वर। कहाँ में विश्व की पहली बच्चों के लिए लाइब्रेरी लॉन्च की गई है? तो ये कोलकाता में किया गया है। किसे कैपिटल फाउंडेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है नरेंद्र बत्रा। किस बैंक ने चिड़ियाघर के 15 बाघों को गोद लिया है? तो ये है SBI बैंक। किस देश ने 15 वर्षीय गोल्डन वीजा जारी करने की घोषणा की है? तो ये UAE के द्वारा किया गया है। 8वां ब्रिक्स एसटीआई मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड को लॉन्च करने वाली पहली गैर बैंकिंग कंपनी कौन बनी है? तो ये है मोबिक्विक। किस राज्य सरकार ने ऑयल पाम परियोजना की शुरुआत की? तो ये मणिपुर के द्वारा किया गया। इक्विटास स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये है स्मृति मंधाना। चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया? तो ये है सोनू सूद। अमेरिकी एरोस्पेस संगठन SpaceX ने कितने अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है? तो ये है 4। जंगली हाथियों को बचाने के लिए किस राज्य में एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल का गठन किया गया? तो ये है पश्चिम बंगाल। 17 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इस दिन मनाया गया राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। किस राज्य सरकार ने UPSC की तैयारी कर रहे स्त्री के उम्मीदवारों को मासिक वजीफा देने का फैसला किया है? तो ये महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा किया गया। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लीलावती अवार्ड 2020 की शुरुआत किसने की? तो ये रमेश पोखरियाल निशंक ने की है। एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये महाराष्ट्र में किया गया। भगवान हनुमान की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित कहाँ पर की करने की घोषणा की गई है? तो ये हम्पी में स्थापित की जाएगी। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने लिंच ओपन 2020 का खिताब जीता है? तो ये है आर्यन सबलेगो। भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन का नाम देश का पहला फूड
खाद्य ट्रक को लॉन्च किया है, तो ये है पुणे। किस राज्य सरकार ने दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत की है, तो ये छत्तीसगढ़ के द्वारा किया गया है। 19 नवंबर 2020 को कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा नया बनाया गया है, तो ये है विजयनगर। नेक्स्ट है, सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची में भारत का AI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि किस स्थान पर है, तो ये 63वें स्थान पर है। ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर कौन बन गया है, तो ये है भुवनेश्वर। नेक्स्ट है, किसे ब्रिटेन का वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान के लिए चयनित किया गया है, तो ये है रमेश पोखरियाल निशंक। किस देश के सांसदों ने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए जलवायु आपातकाल की घोषणा की, तो ये जापान के द्वारा किया गया। केंद्र सरकार ने किस पक्षी को बचाने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की, तो ये गिद्ध के द्वारा शुरू किया, गिद्ध के लिए शुरू किया गया है। ICC ने महिलाओं के T20 वर्ल्ड कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है, तो 2023 तक। 21 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो इस दिन मनाया गया विश्व फिशरीज डे। भारत ने अगले साल किस देश का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है, तो भूटान का। किस देश ने के खिलाड़ी जेवियर मोसेरानो ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है, तो ये अर्जेंटीना के हैं। ICC ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों की न्यूनतम आयु कितने वर्ष निर्धारित की है, तो ये है 15 वर्ष। किस शहर के पुलिस स्टेशन को ISO 901/2015 सर्टिफिकेशन दिया गया, तो ये कोहिमा का है। भारत के किस हाई कोर्ट ने चचेरे हाई कोर्ट के चचेरे भाई बहन के बीच अवैध शादी को अवैध माना गया है, तो ये है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट। किस सोशल प्लेटफॉर्म ने फ्लीट्स नामक नया फीचर शुरू किया है, तो ये है फ्लीट्स नामक नया फीचर ट्विटर के द्वारा शुरू किया गया। LIC ने किस नाम से अपना पहला डिजिटल ऐप लॉन्च किया, तो ये है आनंदा। नासा ने वैश्विक समुद्र तल की निगरानी के लिए किस उपग्रह को लॉन्च किया है, तो यह है सेंटिनल 6। किस जिले में भारत का पहला मॉस गार्डन विकसित किया गया है, तो ये नैनीताल में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर हर घर नल योजना का उद्घाटन किया, तो ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिले में किया है। 14 वर्ष की उम्र में स्नातक पूरा करने वाला पहला भारतीय कौन बना है, तो ये है अगस्त्य जायसवाल। कौन इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में चुने गए हैं, तो ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। किस देश ने 18वीं शताब्दी की अन्नपूर्णा प्रतिमा भारत को लौटाने का फैसला किया है, तो ये कनाडा है। कौन सा देश ICC महिला T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा, तो ये दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किया जाएगा। किस राज्य में पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया, तो ये असम में किया गया। नेक्स्ट है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस बोर्ड के स्वतंत्र निदेशक कौन बनाए गए हैं, तो ये है दीन बंधु महापात्र। किसे डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनरेरी डायरेक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई, तो ये इसरो के अध्यक्ष के सिवन के लिए था। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया, तो ये है विजय कुमार सिन्हा। नेक्स्ट है, किस टीवी या वेब सीरीज ने 46वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है, तो ये दिल्ली क्राइम है। कौन सा देश फीफा अरब कप टूर्नामेंट 2021 की मेजबानी करेगा, तो ये कतर के द्वारा किया जाएगा। एंटोनी ब्लिंकन किस देश के विदेश मंत्री बने हैं, तो ये अमेरिका के बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, महिला बिग बैश लीग WBBL 2020 में प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बना है, तो ये है सोफी डिवाइन। 26 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो इसे मनाया गया राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। किस राज्य सरकार ने हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया है, तो ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। किस देश में चापरे वायरस पाया गया, तो ये बोविलिया में पाया गया। सोंग डैम पेयजल परियोजना को किस राज्य में मंजूरी दे दी गई है, तो ये है उत्तराखंड। नवीनतम रैंकिंग में भारत प्रथम स्थान पर रहा है, फीफा की नवीनतम रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन है, तो यहाँ पर बेल्जियम है। नेक्स्ट है, खेल मंत्रालय ने किसे राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी है, तो ये है भारतीय तीरंदाजी संघ को।
नेक्स्ट है 2020 को जारी सूचना के अनुसार चौथा सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एक नया फीचर स्पॉटलाइट लॉन्च किया? तो ये स्नैपचैट के द्वारा किया गया। किस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? तो ये इसराइल के हैं। किस फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया? तो ये जल्लीकट्टू है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? तो शब्द क्या था? क्वारंटाइन। 1 दिसंबर 2020 को किसने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया? तो ये बीएसएफ के द्वारा मनाया गया। 1 दिसंबर 2020 को किस राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया? तो नागालैंड के द्वारा। किस राज्य ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो ये पश्चिम बंगाल के द्वारा किया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने देहरादून के डोईवाला में सूर्यधार झील का लोकार्पण किया है? तो ये उत्तराखंड के द्वारा किया गया है। किस राज्य को लगातार छठे वर्ष देश में अंगदान में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया? तो तमिलनाडु इसमें प्रथम स्थान पर है, सर्वश्रेष्ठ राज्य है। बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो पुणे में किया गया है। यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है लाहौर। किस राज्य में 2030 तक एड्स को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो मध्य प्रदेश में। छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज कहाँ बनाया गया? उत्तराखंड में। आईसीसी T20 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गया है? तो इंग्लैंड। किस देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया है। सबसे तेज 12,000 ओडीआई रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं विराट कोहली। किस भारतीय शिक्षक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में नामित किया गया? तो ये हैं रंजीत सिंह दिसाले। किस राज्य के नोपोक सिकमई पुलिस स्टेशन को सबसे अच्छे पुलिस स्टेशन का दर्जा मिला है? तो ये है मणिपुर। किस देश के वैज्ञानिक फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स नरेंद्र सिंह कपानी का निधन हुआ है? तो ये अमेरिका के थे। नेक्स्ट है, फॉर्च्यून ने किसे 2020 का बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है? तो ये हैं शांतनु नारायण एवं अजय बंगा। 2 करोड़ से अधिक कोविड परीक्षण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये है उत्तर प्रदेश। वायु प्रदूषण के कारण विश्व की पहली मृत्यु कहाँ दर्ज की गई? ब्रिटेन में दर्ज की गई। किस राज्य सरकार ने रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है? तो ये असम में है। सिंगापुर के दैनिक द स्ट्रीट टाइम्स ने किसे एशियन ऑफ द ईयर सम्मान के लिए चुना? तो ये है आदार पूनावाला। किस राज्य में कान्हल गांव को एक वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया है? तो ये कान्हल गांव महाराष्ट्र में स्थित है। चंद्र की सतह पर अपना झंडा लगाने वाला दूसरा राष्ट्र कौन बन गया है? तो चाइना बन गया है। 2020 को की गई घोषणा के अनुसार किस राज्य में देश का पहला टाइगर पार्क स्थापित किया जाएगा? तो पश्चिम बंगाल में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा। किस बैंक ने ऋण प्रबंधन समाधान लेंस द लीडिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया है? तो ये पीएनबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लाइव रूम नामक फीचर लॉन्च किया है? तो ये इंस्टाग्राम के द्वारा लॉन्च किया गया है। 2021 में फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये जापान के द्वारा किया जाएगा। dictionary.com ने किस शब्द को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ये शब्द का नाम है पैंडेमिक। फेसबुक समर्पित लिब्रा एसोसिएशन ने अपना नाम बदलकर क्या रख लिया है? तो अपना नाम बदलकर इन्होंने डॉयम रख लिया है। किस कंपनी ने फॉर्च्यून द्वारा जारी 500 सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका नाम क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है, किस देश ने ऑप्टिकल स्टीरियो मैपिंग सैटेलाइट गोफिन 14 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो चाइना के द्वारा। तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है राज कमल झा, उपन्यास द सिटी एंड द सी। नेक्स्ट है,
फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये किया है बजरंग पूनिया पुरुष में और इलावेलिंग वलारिवन महिला में इन्होंने हासिल किया है। शहरी प्रशासक सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ओडिशा। किस देश की मारा गोमेज फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है? तो ये अर्जेंटीना की है। किस देश ने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है? तो ये चाइना के द्वारा किया गया। 11 दिसंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो मनाया गया विश्व पर्वत दिवस। विश्व की 50 एशियाई सेलिब्रिटीज की लिस्ट में किसने टॉप किया है? तो इसमें सोनू सूद ने टॉप किया है और यह विश्व की 50 एशियाई सेलिब्रिटीज की लिस्ट है। किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश का है। ओला के ईवी व्यवसाय का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है जूलियन गिफर्ट। किस अमेरिकी सांसद को कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस की अध्यक्षता के लिए चुना गया है? तो ये है प्रमिला जयपाल। IUCN ने कितनी प्रजातियों को विलुप्त घोषित किया है? तो टोटल 31 प्रजातियों को। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है सोफिया केनी। 100% ऑर्गेनिक दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो ये है लक्षद्वीप। टाइम पत्रिका ने बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से किसे नामित किया है? तो ये किया है एरिक युवान को। किस राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए महाशरद मंच की शुरुआत की? तो ये महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा किया गया। ICC ODI रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? तो इसमें शीर्ष पर है विराट कोहली। नेक्स्ट है ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस 2020 क्लाइमेट रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें दूसरे स्थान पर है। किस देश में इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप शुरू हुआ है? तो ये सर्बिया में शुरू किया गया है। कौन सा देश मालदीव की जगह हिंद महासागर द्वीप खेल 2023 की मेजबानी करेगा? तो मेडागास्कर करेगा। किस देश ने फाइजर कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी प्रदान की? तो ये अमेरिका की वैक्सीन है। स्क्रीन शेयरिंग ऐप स्क्वाइड का अधिग्रहण किसने किया? तो ट्विटर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के 2023 मेंस हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये ओडिशा के द्वारा किया जाएगा। ओला ने किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु में। अमेरिका ने S-400 मिसाइल की खरीद को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो टर्की में। किस राज्य सरकार ने सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो ये असम की सरकार के द्वारा किया गया। फोर्ब्स द्वारा जारी साल 2020 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो इसमें है काइली जेनरा। नेक्स्ट है नेहरू जूलॉजिकल पार्क ने ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, यह किस राज्य में है? तो ये तेलंगाना में है। बेस्ट फीफा प्लेयर का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है रॉबर्ट लेवाडोवस्की पुरुष में और लुजी ब्राज महिलाओं में। किस देश ने डोप फ्री खेलों के लिए वाडा को $1 बिलियन देने की घोषणा की है? तो भारत ने। किस देश ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो ये रूस के द्वारा किया गया है। 19 दिसंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इस दिन मनाया गया गोवा मुक्ति दिवस। अमेरिका ने किस देश को राज्य प्रायोजित आतंकवाद की सूची से हटा दिया है? तो इसमें सूडान का नाम है ये। किस राज्य सरकार ने बैनरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया? नागालैंड सरकार के द्वारा किया गया ये। ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेसमैन एंड पीस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है रतन टाटा। एशिया प्रशांत प्रसारण संघ के उपाध्यक्ष को के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुने गए हैं शशि शेखर वेम्पति। अमित पंघाल ने जर्मनी में बॉक्सिंग विश्व कप में कौन सा पदक जीता? तो अमित पंघाल ने जर्मनी में बॉक्सिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। रिकार्डो रिको को किस खेल से आजीवन प्रतिबंधित किया गया है? तो यह खेल का नाम क्या है? साइकिलिंग। नेक्स्ट है 21 दिसंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इस दिन मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। SK सिंघल को किस राज्य का DGP नियुक्त किया गया? तो ये बिहार के DGP बनाए गए हैं।
यूनेस्को द्वारा देश की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है, यह सिंगापुर का है। नेक्स्ट है, किस देश का है ये हॉकर संस्कृति, तो सिंगापुर का है। 50 गोल दर्ज करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं, तो ये हैं सुनील छेत्री। किस राज्य सरकार ने बरसात अभियान शुरू किया है, तो उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने स्वदेशी खेलों को शामिल किया है, तो इसमें 4 खेलों को शामिल किया गया। भारतीय बॉक्सरों ने कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, तो इसमें 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। कौन सा देश हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का 23वां सदस्य बन गया है, तो ये कौन सा देश है, फ्रांस है। भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 रिपोर्ट में भारत में तेंदुओं की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 60% की वृद्धि दर्ज की गई। भारत का पहला लेदर पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो भारत का पहला लेदर पार्क उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। 23 दिसंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो इस दिन मनाया गया राष्ट्रीय किसान दिवस। किस राज्य ने जर्मन धर्मांतरण कानून का पालन न करने पर 7 साल की सजा का प्रावधान किया है, तो ये है हिमाचल प्रदेश। किस फुटबॉलर को गोल्डन फुट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है, तो ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एटीपी अवार्ड में किस खिलाड़ी को फैंस फेवरेट अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया, तो ये है रोजर फेडरर। किस वेब सीरीज ने फिल्म फेयर ओटीटी पुरस्कार 2020 में बेस्ट सीरीज का पुरस्कार जीता है, तो क्या नाम है इसका, पाताल लोक। अमेरिका ने जो स्पेस फोर्स बनाई है उसके सदस्यों को क्या कहा जाएगा, तो गार्जियंस कहा जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सफलतापूर्वक पूरा करने वाला 6ठा राज्य कौन बन गया है, तो ये बना है राजस्थान। धर्म परिवर्तन के खिलाफ किस राज्य के मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी प्रदान की, तो ये मध्य प्रदेश है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस पूर्वोत्तर राज्य में धूबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया, तो ये मणिपुर में किया गया। किस संस्था ने क्लाउड स्टोरेज सेवा डिजी बॉक्स लॉन्च किया, तो ये नीति आयोग ने किया। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जाएगी, गुजरात में। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल का अनावरण किया है, तो कर्नाटक ने किया है। किस राज्य में पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की गई, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, सर्वी रेल किसान रेल किन दो स्थानों के बीच शुरू की गई, तो ये है संगोला महाराष्ट्र और शालीमार पश्चिम बंगाल के बीच। भारत कब तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तो 2030 तक। किस देश ने चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है, तो ये अमेरिका है और कब तक करेगा, 2026 तक। किस राज्य ने कोविड-19 महामारी के दौरान पैसे ट्रांसफर के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड जीता है, तो किसने जीता है ये, बिहार ने। जम्मू कश्मीर की पहली महिला यात्री बस चालक कौन बन गई है, तो ये है पूजा देवी। किस राज्य सरकार ने स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल करने का निर्णय लिया है, तो उत्तर प्रदेश के द्वारा। किस फुटबॉलर को दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। भारत की सबसे युवा मेयर कौन बनी है, केरल की है, केरल की आर्या राजेंद्रन। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क किस राज्य में बना है, उत्तराखंड के हल्द्वानी में। 31 दिसंबर 2020 को तमिलनाडु का 38वां जिला कौन बना है, तो ये है मेलादुथुराई। महाराष्ट्र के किस आदिवासी शहर ने मिनी महाबलेश्वर का टैग अर्जित किया है, तो ये है जौहर। ग्लोब साकर अवार्ड में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार किसने जीता है, तो ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया, तो ये है वीके यादव। भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये किया गया है लेह में। नेक्स्ट है, किस फूल की नई प्रजाति पोर्टलुका लालजी खोजी गई है, तो ये सनरोज की है। यूके की संस्था सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान है, तो 6ठा स्थान है।
मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं झोंग सांसान, और ये चीन के हैं। किस राज्य में एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया गया? तो एक जिला एक शिल्प नामक अभियान मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। 1 जनवरी 2021 को किसने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया? तो DRDO ने मनाया है। किस राज्य सरकार ने कोविड योद्धाओं के सम्मान में एक स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये ओडिशा के द्वारा। टेस्ट प्रेप स्टार्टअप नियो स्टेंसिल का अधिग्रहण किसने किया? तो ये अन एकेडमी ने किया है। भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये है लुआन मेडोका। सुगमता से व्यापार सुधारने को अपनाने वाला देश का छठा राज्य कौन बन गया है? तो ये है राजस्थान। किस निगरानी पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया है? तो इसका नाम सुशीत है। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है के वीर मणि। ग्लोब सॉकर अवार्ड भी किसे सदी का बेस्ट फुटबॉलर चुना गया है? तो ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। किस देश की नौसेना ने आधिकारिक रूप से पनडुब्बी INS सिंधु वीर को प्रतिस्थापित किया है? तो ये म्यांमार को दिया गया है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर कौन ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गया है? तो ये है न्यूजीलैंड। किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है। किसे क्वीन एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया? तो ये है लुईस हैमिल्टन। भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो पाकिस्तान के साथ में। नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में बनाया गया है? तो मेघालय में। 3 जनवरी 2021 को किसकी जयंती मनाई गई? तो ये मनाई गई सावित्री बाई फुले की। 4 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इस दिन मनाया गया विश्व ब्रेल दिवस। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें जेफ बेजोस शीर्ष पर रहे हैं। तूफान बेला के कारण किस देश ने अपनी 50% से अधिक बिजली उत्पन्न की है? तो ये ब्रिटेन ने किया है। चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? केरल में। किस देश ने मृत्युदंड की सजा को समाप्त कर दिया गया है? तो कजाकिस्तान में मृत्युदंड की सजा को समाप्त कर दिया गया है। किस देश ने गर्भपात को वैध बनाने वाला एक बिल पारित किया है? तो अर्जेंटीना के द्वारा किया गया है। किस देश की संसद ने मलाला यूसुफई स्कॉलरशिप एक्ट पास किया है? तो ये अमेरिका की संसद के द्वारा किया गया है। किस राज्य ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया है? तो ये केरल के द्वारा किया गया है। IOC ने अपने ईंधन स्टेशनों के पास स्थानीय समुदायों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो पहल का क्या नाम है? प्रयास। किस देश में फ्लाई बिग नामक एक नई एयरलाइन शुरू की गई है? तो भारत में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? गुलमर्ग में। किस राज्य ने एम पेंशन ऐप लॉन्च किया है? तो मणिपुर के द्वारा किया गया है ये। भारतीय सेना द्वारा बनाए गए ह्यूमन राइट सेल के प्रमुख कौन बनाए गए हैं? गौतम चौहान है। एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है करण बाजवा। अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? मेरिक गौरलैंड को। पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली महिला मैच अधिकारी कौन बनी है? तो ये है क्लेयर पोलोसॉक। विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का विषय क्या था? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रोफी के द्वारा जारी सबसे बड़े दान की वार्षिक सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये है जेफ बेजोस। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कितने देशों में 1.34 करोड़ NRI है? तो टोटल 210 देश। केंद्र सरकार ने लद्दाख में किस नदी पर 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की? तो ये सिंधु नदी है। बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? ओडिशा में। जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु सीमा 37 से घटाकर कितने वर्ष कर दी गई है? तो अब 32 वर्ष कर दिया है। अपने संविधान को जानो नामक पहल की शुरुआत की गई है केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है ये। केंद्र सरकार ने भारत में पहला
फायर पार्क स्थापित किया है? किस राज्य में किया है? तो ये भारत का पहला फायर पार्क ओडिशा में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? कुफरी में। 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश किसे चुना गया है? बांग्लादेश को। नेक्स्ट है, भारत ने अपने लिथियम भंडार की खोज किस राज्य में की है? तो कर्नाटक में की है। कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार प्राप्त पैनल का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है R.S. शर्मा। KVIC द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट को किसने लॉन्च किया है? नितिन गडकरी ने। फुटबॉल के इतिहास में अब तक संयुक्त सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट है, हुरून ग्लोबल 500 रिपोर्ट में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया है? तो इसमें 11 कंपनियों को शामिल किया गया है। किस राज्य सरकार ने चंद्रभागा और तालसारी समुद्र तट को विकसित करने का निर्णय लिया है? ओडिशा। भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा वार्ता के 13वें संस्करण की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो ये थे डॉक्टर अजय कुमार। RBI ने किस राज्य के बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो ये महाराष्ट्र का है। किस AIIMS ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है? एम्स भुवनेश्वर। किस राज्य ने परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा शुरू किया? तो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है ये। नेक्स्ट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने वाला देश का 8वां राज्य कौन बना है? केरल। दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज कहाँ की गई है? इंडोनेशिया में। किस राज्य ने सरकारी स्कूलों के अंग्रेजी शिक्षकों के लिए टेसोल कोर सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किया है? तो ये दिल्ली के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया है? तो हरियाणा के द्वारा किया गया है। यूएसओ ने किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में फिर से नामित किया है? तो ये है क्यूबा। DRDO द्वारा विकसित देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल का नाम क्या है? ASMI। नेक्स्ट है, स्कॉच कैलेंडर चैलेंजर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ये है अर्जुन मुंडा। सिल्वर साल्वर से सम्मानित किया गया है, किसे सम्मानित किया गया है? पृथ्वी पॉल सिंह को सिल्वर साल्वर से सम्मानित किया गया है। किस राज्य ने पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान चलाया? गुजरात राज्य ने। संक्रैन का पारंपरिक त्योहार कहाँ मनाया गया? तो ये ढाका में मनाया गया। पेप्सिको ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये 2040। किस देश ने UNHRC की अध्यक्षता प्राप्त की है? फिजी ने। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देश के विभिन्न भागों से जोड़ने के लिए कितनी ट्रेनों की शुरुआत की? तो 8 ट्रेनों। कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे मनीष कुमार। किस मंत्रालय ने, और यहाँ पर ये मनीष कुमार भारत में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले थे, ये ध्यान रखना है। किस मंत्रालय ने सक्षम अभियान का शुभारंभ किया? तो पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा सक्षम अभियान का शुभारंभ किया गया। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? बेंगलुरु में किया गया भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन। किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की? तो ये रूस है। नेक्स्ट है, किस राज्य में पौष पर्वान मेला मनाया गया? तो ये मनाया गया त्रिपुरा में। किस राज्य में पहले पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया गया? बिहार में। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कर्नाटक। 43वीं कोक पोरोक दिवस किस राज्य में मनाया गया? त्रिपुरा। कहाँ पर स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन किया गया? झांसी में। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला जाएगा? तो ये केरल में खोला जाएगा। किस राज्य सरकार ने ड्रैगन फल का नाम कमलम रखने का फैसला किया है? तो गुजरात के द्वारा किया गया है ये। किस राज्य में स्थित गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदला गया है? तो ये गोरेवाड़ा चिड़ियाघर महाराष्ट्र में स्थित है। भारत ने किस देश से 21 MiG-29 और 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया है? तो ज्यादातर विमान भारत के रूस से खरीदे जाते हैं।
भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है सिंगापुर। किस राज्य सरकार ने शिवराजपुर बीच को विकसित करने की घोषणा की है? तो गुजरात के द्वारा किया गया है। हावड़ा काकला मेल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 43वां रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल नामक पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च किया गया? हिमाचल प्रदेश में लॉन्च हुआ है। भारतीय सेना के पहले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये है चांडी प्रसाद मोहंती। किस राज्य सरकार ने युवाओं को व्यवसायिक उद्यम शुरू कराने के लिए स्वयं योजना शुरू की है? तो ये असम के द्वारा शुरू किया गया। जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित चटरगला सुरंग कठुआ जिला को किस राज्य से जोड़ेगी? तो कठुआ जिला को ये डोडा राज्य से जोड़ेगी। किस अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नाम रखा गया है? तो ये है सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे। 23 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इस दिन मनाया गया पराक्रम दिवस। उत्तराखंड राज्य का पहला बाल मित्र थाना किस पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया है? तो ये है डालन वाला। भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? मेघालय में किया गया है। नेक्स्ट है, किसने श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया? तो अर्जुन मुंडा ने लॉन्च किया। किस राज्य ने आयुष्मान भारत बीमा योजना का नाम बदलकर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना किया है? तो ये राजस्थान के द्वारा किया गया। माइकल एंड सीला हेल्ड पुरस्कार किसे मिला है? तो ये दिया गया है निखिल श्रीवास्तव को। समृद्ध तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो ये ओडिशा में शुरू हुआ। किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 कर दी? तो ये उत्तराखंड में किया गया। नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी गई है? कटक में। किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की? तो ये महाराष्ट्र के द्वारा किया गया। 24 जनवरी 2021 को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा मनाया गया। 25 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? पर्यटन दिवस। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? तो टोटल 32 बच्चों को। किस राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग अभ्युदय की घोषणा की? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया। किस राज्य में एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम नामक योजना शुरू की गई? तो ये राजस्थान के द्वारा। सृष्टि गोस्वामी किस राज्य की एक दिन की मुख्यमंत्री बनी? तो ये उत्तराखंड की बनी थी। एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? स्पेस एक्स ने बनाया। किस राज्य की सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू हुआ है? तो ये राजस्थान है। 26 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इस दिन मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। 2 लाख श्रमिकों को टीकाकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना था? तो ये कर्नाटक बना था। बाजार पूंजीकरण के आधार पर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है? तो ये है TCS। किस राज्य में खोजी गई चींटी प्रजातियों का नाम प्रोफेसर अमिताभ बच्चन जोशी के नाम पे रखा गया? तो ये तमिलनाडु में खोजी गई थी। नेक्स्ट है, रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? भावना कांत। वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व 2021 का उद्घाटन किसने किया? तो ओम बिरला के द्वारा किया गया। राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? मेघालय। नेक्स्ट है, अंकटाड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बना है? चीन और दूसरा अमेरिका। नाव पुस्तकालय की शुरुआत की गई है कहाँ पर की गई? नाव पुस्तकालय की शुरुआत तो ये कोलकाता में की गई। कर्नाटक का पहला भारतीय ग्रे वुल्फ अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा? ओपन में। नेक्स्ट है, 4 दिवसीय काव्य उत्सव कविता विज किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये केरल में आयोजित किया गया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो ये जीता है राजेंद्र कुमार भंडारी ने। हुनर हाट के 24वें संस्करण का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? लखनऊ में।
कलास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये बनी है एस्टोनिया की। एम आई इंडिया ने किसके साथ मिलकर शिक्षा हर हाथ के लिए पहल शुरू की है? तो सोनू सूद के साथ में। विश्व की सबसे ज्यादा बिकने वाली वाहन निर्माता कंपनी कौन बनी है? तो ये है टोयोटा। स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का शुभारंभ कहाँ किया गया? राजस्थान में। नई दिल्ली में किस देश के दूतावास के पास बम विस्फोट हुआ? तो ये इजरायली दूतावास था। गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता? तो उत्तर प्रदेश की राम मंदिर झांकी ने जीता। 30 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 30 जनवरी 2021 को मनाया गया शहीद दिवस। नेक्स्ट है 23 नए गॉर्बेज कैफे कहाँ खोले गए हैं? तो ये 23 नए गॉर्बेज कैफे खोले गए हैं नई दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने मिशन भागीरथ के नाम से अपना स्वयं का पैकेज्ड पेयजल लॉन्च किया है? तो ये तेलंगाना ने किया है। एशिया प्रशांत व्यक्तित्व स्वास्थ्य सूचकांक में अपना देश भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो अपना देश भारत रहा है 10वें स्थान पर। चीन के कोविड-19 टीके को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपियन यूनियन का देश कौन बना है? तो ये है हंगरी। 30 जनवरी 2021 को थिपुसुम त्योहार कहाँ पर मनाया गया? तो ये मनाया गया तमिलनाडु में। किस देश का माउंट मेरोपी ज्वालामुखी फटा है? तो ये इंडोनेशिया का है। 31 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इस दिन मनाया गया विश्व कुष्ठ रोग दिवस। भारत और किस देश ने सतत विकास और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल शुरू की है? तो ये फ्रांस के साथ में शुरू किया है। भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? चंडीगढ़ में। कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2020 में अपना देश भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 86वें स्थान पर रहा है और शीर्ष पर कौन रहा है? तो वियतनाम। किस देश के शासन प्रमुख को वहां की सेना ने बंदी बनाकर तख्ता पलट कर दिया एवं 1 साल के लिए अपने देश में इमरजेंसी लगा दी? तो ये म्यांमार के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए जीआई टैग प्राप्त किया? तो पाकिस्तान ने किया है। आरबीआई ने पर्याप्त पूंजी न होने के कारण किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो ये महाराष्ट्र स्थित शिवम सहकारी बैंक है। पराबैंगनी किरणें यूवी रेस से सैनिटाइज की जाने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन बनी? तो ये है लखनऊ मेट्रो। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में लोगों को न्याय दिलाने में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो महाराष्ट्र। और अंतिम पर कौन रहा है? तो उत्तर प्रदेश। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी किसने जीता? तो ये जीता तमिलनाडु ने बड़ौदा टीम को 7 विकेट से हराकर। 2 फरवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इस दिन मनाया गया विश्व वेटलैंड दिवस। 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत किया? तो ये पंजाब सरकार के द्वारा किया गया। ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? तो इस शब्द का क्या नाम है? आत्मनिर्भरता। किस देश ने मिस्र में आयोजित हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये डेनमार्क ने जीता है। पहली एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा पदक किसने जीते हैं? तो भारत ने जीते हैं। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस प्रजाति के लिए राष्ट्रीय एक्शन प्लान जारी किया? मरनी टर्टल। किस भारतीय मूल की महिला को नासा का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया? तो ये है भव्या लाल। कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये है अंडमान और निकोबार। भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ लॉन्च किया गया? चंडीगढ़ में। ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसमें नॉर्वे शीर्ष पर रहा है और भारत का स्थान 53वां रहा है। किसे अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से AR रहमान को सम्मानित किया गया। किस मंत्रालय ने आसियान इंडिया हैकथॉन 2021 का शुभारंभ किया है? तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया। किसने इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल लॉन्च किया? तो BSE ने। अभिवादन नामक एक संगीत कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये पुणे में किया गया। किस राज्य सरकार ने EV इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का
कोई पंजीकरण रोड टैक्स ना लेने की घोषणा की, तो ये तेलंगाना के द्वारा है। मानव बंधित्व जायद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये है एंटोनियो गुटरेस तथा लतीफा इब्न इब्न जियातिन। उड़ान तारा नामक किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ, तो ये धौलपुर जिला है राजस्थान का। नेक्स्ट है 5 लाख टीकाकरण को पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना था, तो ये उत्तर प्रदेश था। सरकार ने कब तक ब्रॉड गेज मार्गों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया, तो 2023 तक। मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस एयरफोर्स स्टेशन पर एरो इंडिया का उद्घाटन किया, तो ये है इलहंगा बंगलौर का। भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक किस शहर में शुरू किया गया, तो ये चंडीगढ़ में शुरू किया गया। भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है, तो ये है आयशा अजीज कश्मीर की। विश्व की सबसे लंबी स्विंग राइड बॉलीवुड स्काई फ्लायर कहाँ खुली है, तो दुबई में। किस कंपनी ने पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त किया, तो ये रिलायंस ने किया है। पार्लियामेंटरी मैसेंजर इन राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी, तो के एन भंडारी के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो ये है हिमाचल प्रदेश। किस देश की सरकार ने दुनिया का पहला सौर द्वीप बनाने की घोषणा की है, डेनमार्क ने। अक्षय ऊर्जा के लिए भारत ने किस देश से समझौता किया है, बहरीन। किस राज्य सरकार ने 500 ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की घोषणा की, दिल्ली। भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड कहाँ स्थापित किया जाएगा, ओडिशा में। किस देश ने राष्ट्रव्यापी समूह प्राउड बॉयज को आतंकवादी समूह घोषित किया है, कनाडा। किस राज्य ने प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नामक दो योजनाएं शुरू की हैं, तो ये असम के द्वारा शुरू की गई। 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं, तो ये बने हैं जो रूट। आईसीसी ने किसे अपना वैश्विक भागीदार घोषित किया है, तो ये है बायजूस। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस नदी पर लखवाड़ बिजली परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है, तो ये है यमुना नदी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया, तो ये है माइकल ब्लूमबर्ग। नेक्स्ट है श्री विल्ली पुथुर मेगामलाई किस राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है, तो ये है तमिलनाडु का। दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये दक्षिण कोरिया में स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 कहाँ शुरू हुआ, तो ये बंगलुरु में शुरू किया गया। जनरल थियम्मा मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया, कर्नाटक में। किसने अपने करियर में तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल जीता है, तो ये है स्टीव स्मिथ और ये ऑस्ट्रेलिया की है। किस देश ने सोयूज 2 वाहक रॉकेट का उपयोग करके दुनिया भर में 40 उपग्रह लॉन्च करने का फैसला किया है, तो ये रूस ने किया है। 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ, बांग्लादेश में। वॉर ऑन ड्रग्स अभियान किस राज्य ने शुरू किया है, तो ये मणिपुर के द्वारा शुरू किया गया। किस देश ने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की, तो भारत के द्वारा किया गया। किस फिल्म को 50वें रोटरडैम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का टाइगर पुरस्कार मिला, तो ये है पेबल्स। भारत ने किस देश को पारगमन यातायात की सुविधा प्रदान की है, तो नेपाल को। 10 फरवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो इस दिन मनाया गया विश्व दलहन दिवस। भारत ने लालंदर सतूत बांध के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो अफगानिस्तान के साथ में किया है। HAL ने भारत में 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र में सहयोग के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है, तो ये कंपनी का क्या नाम है, रॉल्स रॉयस। कौन सा देश सबसे बड़े अपतटीय फॉर्म का निर्माण करेगा, तो ये है दक्षिण कोरिया। 20वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 की थीम क्या है, तो इसकी थीम थी रीडिफाइनिंग अवर कॉमन फ्यूचर। 11 फरवरी 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया गया, तो 11 फरवरी 2021
विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया 11 फरवरी को। और क्या मनाया गया? विश्व यूनानी दिवस। विश्व के सबसे पुराने पशु जीवाश्म की खोज कहाँ की गई? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रथम महिला सीईओ कौन होंगी? तो ये कौन होंगी? सुजेन क्लार्क। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है रॉबर्ट इरविन ने। किस राज्य सरकार ने ज्ञान मिशन शुरू किया? तो ये शुरू किया गया है केरल के द्वारा। किस राज्य की कैबिनेट ने रिवार्ड परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो ये उड़ीसा के द्वारा। भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया है? नितिन गडकरी ने। किस दिवस 13 फरवरी 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो इस दिन मनाया गया विश्व रेडियो दिवस एवं भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस। नेक्स्ट है, किस स्पेस एजेंसी ने पहली बार निजी क्षेत्र के लिए उपग्रह परीक्षण केंद्र खोला है? तो इसरो के द्वारा। किस देश की सेना ने बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो ये पाकिस्तान के द्वारा किया गया। 93वें ऑस्कर पुरस्कारों के लिए किस भारतीय फिल्म को चयनित किया गया? तो फिल्म का क्या नाम था? बिट्टू बिट्टू। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार ने किस जिले में डकैत संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया है? तो ये जिला है भिंड मध्य प्रदेश का। वोल्वो कोर्स इंडिया ने किसे अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो ये है ज्योति मल्होत्रा। 14 फरवरी 2021 को किसकी पुण्यतिथि भारत में समर्पण दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो दीनदयाल उपाध्याय की। भारतीय महिला ऑक्सफोर्ड के छात्र संघ की प्रमुख कौन बनी है? तो ये बनी है रश्मि सामंत। चर्चित भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बन रहा है? तो ये पटना में बनाया जा रहा है। इसरो किस कंपनी के साथ मिलकर भारत का स्वदेशी मैपिंग पोर्टल और भू स्थानिक सेवाओं को विकसित करेगा? तो उसका क्या नाम है? मैप माई इंडिया। नेक्स्ट है, मांडू महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। खादी के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो खादी के उत्पादन में 2021 में 29% की वृद्धि दर्ज की गई। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ होने जा रहा है? कहाँ हुआ था, हो चुका है? तो ये पश्चिम बंगाल में। किस राज्य सरकार ने गरीबों को मुफ्त 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ योजना की शुरुआत की? तो ये पश्चिम बंगाल के द्वारा किया गया। किस देश ने कार्गो स्पेस क्राफ्ट प्रोग्रेस 77 को लॉन्च किया? तो रूस के द्वारा। आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब ने अपना नाम बदलकर क्या रख लिया है? तो इसका नाम अब हो गया है पंजाब किंग्स। भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज ने सभी प्रारूपों से संन्यास लिया? तो इनका क्या नाम है? नमन ओझा। 16 फरवरी 2021 में कहां पर पहला फागुन उत्सव मनाया गया? तो ये बांग्लादेश में मनाया गया। किस देश की धाविका बैटरीज चिप कोच ने 5 किलोमीटर रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ये केन्या की है। किस देश की टीम T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई? तो ये पाकिस्तान की है। किसने ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया? तो राजनाथ के द्वारा लॉन्च किया गया ई छावनी पोर्टल। कौन कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर बनी है? तो इनका नाम है साइमा उबैद। नेक्स्ट है, करौंच त्योहार कहाँ मनाया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया। किसने अभ्यारण लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 जीता है? तो किसने जीता है? ये थियोडोर भास्करन। किस राज्य सरकार ने मिड डे मील वर्कर के वेतन में बढ़ोतरी की? तो झारखंड सरकार के द्वारा किया गया। किस राज्य के ओलंपियन मनीष राउत ने 35 किलोमीटर रेस वॉक में स्वर्ण पदक जीता? तो ये उत्तराखंड के हैं। मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने हैं अजय मल्होत्रा। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 11वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये पश्चिम बंगाल। कमलाज वे नामक पुस्तक किसने लिखी है? डैन मोरिन ने। कोची वाटर मेट्रो के पहले रूट का उद्घाटन किसने किया? तो ये पिनरई विजयन ने किया। किसने स्टैंड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म संदेश लॉन्च किया? INIC के द्वारा किया गया ये।
स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये हैं YS जगनमोहन रेड्डी। किस राज्य में अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया? तो ये हरियाणा में किया गया। नेक्स्ट है, टेरा फुगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी दे दी गई है, तो ये किस देश की है? तो ये अमेरिका की है। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर सार्वजनिक शौचालय कहाँ बनाया गया? वाराणसी में। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में मोस्ट वर्सटाइल एक्टर किसे चुना गया? तो ये हैं के मेनन। 3 करोड़ से अधिक कोविड-19 परीक्षणों को पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये बना था उत्तर प्रदेश। किस राज्य के चिकित्सक डॉक्टर थंगजाम धबली सिंह को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया? तो ये मणिपुर के हैं। किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने अमर वसा नाम का अनुवाद सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? तो ये बांग्लादेश है। 2020 की ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसे चुना गया? तो ये हैदराबाद को चुना गया। नेक्स्ट है, IPL 2021 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये हैं क्रिस मॉरिस साउथ अफ्रीका के, और इनकी कीमत क्या थी? 16.25 करोड़। सर्व महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये हैं अंतरा बनर्जी, सानू गांधी और शोभना कपूर। 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में एकल खिताब किसने जीता? मनिका बत्रा ने। 26वें हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। DRDO के हेलिना ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पर किया गया? राजस्थान में। किस देश के ओलंपिक मंत्री सीको होशिमोतो को टोक्यो 2020 ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया? तो ये जापान के थे। नासा का अंतरिक्ष यान किस ग्रह के जेजुरो क्रेटर का सफलतापूर्वक लैंड हुआ है? तो मंगल है। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्टेथोस्कोप स्टरलाइजर किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? तो कंपनी का क्या नाम है? XECH। किसने अपना चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? तो ये जीता है नाओमी ओसाका ने। 22 फरवरी 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो इस दिन मनाया गया विश्व चिंतन दिवस। नेक्स्ट है, दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो ये कर्नाटक करेगा। कोविड-19 को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अयोध्या को किया गया। किस राज्य ने जल्द ही सिंगापुर को बुद्ध चावल का निर्यात करने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? नर्मदापुरम। किस देश ने हिमालयी गुलाबी नमक का GI पंजीकरण करने का निर्णय लिया है? तो ये पाकिस्तान के द्वारा किया जाएगा। लोक कला उत्सवम 2021 कहाँ शुरू हुआ? केरल में। अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? लक्षद्वीप में। पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव कहाँ रखी गई है? असम में। 24 फरवरी 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। नेक्स्ट है, कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार बन गया है? तो ये चीन है। किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया? अनंतपुरम। किस राज्य सरकार ने बड़े होटलों को उद्योग का दर्जा देने का फैसला किया है? तो ये है केरल। किस देश ने टीकाकरण प्रमाण पत्र वाले लोगों के लिए ग्रीन पास जारी किया है? तो इसराइल के द्वारा किया गया है। महिलाओं को मौलिकाना हक देने वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश। मिशन इंद्रधनुष 3.0 का शुभारंभ किसने किया? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। DRDO ने 2 VLSRSAM के सफल परीक्षण कहाँ पर किए? ओडिशा में। किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भंग किए गए संसद को बहाल किया? तो ये नेपाल की सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया गया। किस बैंक ने नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया? ICICI बैंक। किस देश की जैस्मिन हैरिसन अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी? तो ये UK की है। स्टार पावर लिमिटेड किस राज्य में 90 मेगा हर्ट्ज का सौर संयंत्र स्थापित करेगी? मध्य प्रदेश। मैरीटाइम इंडिया समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है,
कोरोना वायरस टीका प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? घाना और दूसरा देश आइवरी कोस्ट। नेक्स्ट है, विडेन प्रशासन द्वारा अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो चुना गया है अंजलि भारद्वाज को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रौद्योगिकी हब का उद्घाटन किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। किस देश के प्रधानमंत्री ने अकेलेपन के लिए मंत्री की नियुक्ति की है? तो ये जापान के प्रधानमंत्री हैं। किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर्नाटक में की जाएगी। ICOLG संगोष्ठी का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया गया है गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। किस राज्य सरकार ने सभी गांवों में मिशन लाल लकीर को मंजूरी दे दी है? तो ये पंजाब है। किस राज्य सरकार ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र की सरकार है। कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? चंडीगढ़। पीएम किसान योजना को सबसे तेज लागू करने वाला राज्य कौन बना है? तो ये उत्तर प्रदेश है। किस राज्य सरकार ने ई परिवहन व्यवस्था का शुभारंभ किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश है। कौन सा देश जून 2021 तक FATF ग्रे लिस्ट में रहेगा? तो ये कौन सा देश है? जो पाकिस्तान है, जो रहा है। 27 फरवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? वर्ल्ड NGO दिवस। किस देश में सामूहिक टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है? दक्षिण कोरिया। किस राज्य में अटुकल पोगाला उत्सव आयोजित किया गया? तो ये केरल में आयोजित किया गया। किस देश में अपना पारंपरिक लालटेन महोत्सव मनाया? तो ये चाइना में मनाया गया। किस राज्य सरकार ने लौटने वाले प्रवासियों के लिए मुफ्त RT-PCR परीक्षण की घोषणा की है? तो ये केरल के द्वारा किया गया है। स्टूडेंट हेल्थ कार्ड कहाँ पर जारी किया गया है? तो स्टूडेंट हेल्थ कार्ड जम्मू कश्मीर में जारी किया गया है। किस देश की सुपर मॉडल नतालिया वोडियानोवा को UN गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये रूस की है। 28 फरवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। किस राज्य सरकार ने गुटखा बार पर रोक लगाने की घोषणा की है? तो ये झारखंड की सरकार है। किस राज्य सरकार ने संविदा कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में 3 वर्ष की कटौती की है? मध्य प्रदेश। भारतीय पुरुष स्की टीम ने मिस्र के काहिरा में शॉटगन वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य। कर्नाटक के किस जिले में खिलौना निर्माण क्लस्टर की आधारशिला रखी गई है? कोप्पन। साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए किसे चुना गया है? तो साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया है, ये चुना गया है विल चेरू राव को। इसरो ने अमेज़ोनिया 1 उपग्रह सफलतापूर्वक परीक्षण इसका कहां पर किया है? तो इसरो ने अमेज़ोनिया 1 उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है आंध्र प्रदेश में। पुलिस ने महिला स्क्वाड को शामिल करने वाला चौथा राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है उत्तराखंड। 1 मार्च 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 1 मार्च 2021 को मनाया गया शून्य भेदभाव दिवस। किसने वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त किया है? तो किसने प्राप्त किया है? नरेंद्र मोदी ने। किस बैंक ने PM केयर्स फंड में 11 करोड़ का दान दिया? तो SBI ने दिया है। यूक्रेन कुश्ती में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो ये विनेश फोगाट ने जीता। हीरो इंडियन वीमेन लीग 2020-21 की मेजबानी कौन करेगा? ओडिशा। पश्चिमी नौसेना कमान का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो ये है RHRI KUMAR। G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक में किसने भाग लिया? तो ये है निर्मला सीतारमण। DRDO ने कहाँ से उपग्रह सिंधु नेत्रा को लॉन्च किया? आंध्र प्रदेश से किया। किस देश ने अंतरिक्ष उपग्रह ऑर्टिका M लॉन्च किया है? तो ये रूस ने किया है। कौन सा जन औषधि दिवस शुरू हुआ है? 1 मार्च 2021 को कौन सा जन औषधि दिवस शुरू हुआ है? तो ये है तीसरा है, तीसरी बार मनाया गया 1 मार्च को जन औषधि दिवस। ब्रिटेन के 2 क्रूज जहाजों को भारत के किस राज्य में खंडित किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहाँ पर शुरू हुआ है? 2 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो ये ऋषिकेश में शुरू हुआ। हाल ही में चर्चा में रहे बिकॉज इंडिया
कम्स फर्स्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये राम माधव के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। पूर्वी नौसेना कमान का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है अजेंद्र बहादुर सिंह। मून मेडिकल कॉलेज की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये रखी गई है नागालैंड में। सुगम्य भारत ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है थावरचंद गहलोत के द्वारा। 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट का सबसे बड़ा आवेदक देश कौन बना है? चाइना। हुरून की ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में कौन टॉप पर है? यहाँ पर हुरून की ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में कौन टॉप पर है? तो एलन मास्क हैं, और ये भारत के मुकेश अंबानी इसमें 8वें स्थान पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियंस और दिग्गज समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है मैरी कॉम को। युगांडा अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है? वरुण कपूर तथा मालविका बंसोड ने किस विषय के साथ 4 मार्च 2021 को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया? तो 4 मार्च 2021 को सड़क सुरक्षा की थीम के साथ मनाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। रेल मंत्री ने कब तक संपूर्ण रेल नेटवर्क के विद्युतीकरण की घोषणा की है? तो यहाँ पर 2023 तक संपूर्ण रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण हो जाएगा। नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इंदौर रहा है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? बेंगलुरु। कोवैक्सीन को अधिकृत करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है जिम्बाब्वे। एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? किरोन पोलार्ड। ये श्रीलंका के विरुद्ध खेला गया था। नेक्स्ट है खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स के दूसरे संस्करण में शीर्ष पर कौन रहा है? तो जम्मू कश्मीर। किस राज्य ने कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा की है? गुजरात के द्वारा किया गया। दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? ऑस्ट्रेलिया में। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिल्टस घोषित किया है? तो 2023 को किया है। किस राज्य ने मू छटुआ और ई कालिका मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ओडिशा। बिहारी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? मोहन कृष्ण बोहरा। पुस्तक का क्या नाम है? तस्लीमा संघर्ष और साहित्य हेतु। 6 मार्च 2021 को संसद टीवी के सीईओ के पद पर किसे नियुक्त किया गया? रवि कपूर को। आईसीसी द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में भारतीय टीम कौन से स्थान पर रही है? तो प्रथम स्थान पर, और दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड की टीम रही है। किस देश ने पहले ट्रांसजेंडर न्यूज रीडर को नियुक्त किया है? तो ये बांग्लादेश में नियुक्त किए गए हैं। व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में। जीआई महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? मसूरी में। 8 मार्च 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया? बांग्लादेश। गुड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? लखनऊ में। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खुला है? रानीखेत उत्तराखंड में। किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित किया गया? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खुला है? तेलंगाना के गजीवोल्वी पुलिस स्टेशन में। किसके द्वारा महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए वीमेन विल वेब वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो ये गूगल के द्वारा किया गया। जेंडर बजट अवधारणा के साथ आने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये है आंध्र प्रदेश। अक्षय पत्र ऑल विमेन आर्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। जॉन लपोटा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? बार्सिलोना। किस देश के राष्ट्रपति ने अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार जीता है? नाइजर। बजरंग पूनिया ने रोम में आयोजित मैटियो पॉलीकोन वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक दूषित स्थल कहाँ पर है? ओडिशा में। किस राज्य सरकार ने सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है? तो ये जम्मू कश्मीर में। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म अकाइव्स पुरस्कार किसे दिया गया है? अमिताभ बच्चन को।
आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर। किस देश ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है? फ्रांस। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? कोनेरू हम्पी को। किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के स्वर्ण कार्ड बनाने का अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। भारत और किस देश के बीच उत्तराखंड के रानीखेत में डस्ट लीक सेकेंड अभ्यास आयोजित किया गया? उज्बेकिस्तान। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। लिविंग वेल विद किडनी डिजीज विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया 11 मार्च 2021 को? तो ये है विश्व किडनी दिवस। कब मनाया गया? 11 मार्च को। थीम क्या थी? लिविंग वेल विद किडनी डिजीज। हेरथ उत्सव कहाँ पर मनाया गया? तो ये हेरथ उत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया। भारत का प्रमुख सांख्यिकीविद किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर जी पी सामंत को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? तो ये किरण बेदी को किया है। इसरो ने किसके साथ मिलकर संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन रडार निसार विकसित किया है? तो इसरो ने ये नासा के साथ मिलकर विकसित किया है। किस राज्य सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए 25 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं? तो ये तेलंगाना ने किया है। किस देश में दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर फ्यूगेकू उपयोग के लिए तैयार है? तो ये जापान है। वेस्टइंडीज टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है केग व्रेथविट को। महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाली भारत की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है मिताली राज। प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रूप में पदोन्नत होने वाले केंद्रीय मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। किस राज्य सरकार ने IBM के साथ स्टेम फॉर गर्ल्स कार्यक्रम शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो ये उत्तराखंड ने किया है। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले अफगानिस्तान के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं हसमत उल्ला साहिदी। दांडी मार्च की वरिष्ठ की 12 मार्च 2021 को दांडी मार्च की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो ये 19वीं वर्षगांठ थी। भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में। मध्य अमेरिका का पहला देश कौन बना है जिसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो ये है अल सल्वाडोर। यहाँ पर मध्य अमेरिका का ये पहला देश है जिसे मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। नाम क्या है? अल सल्वाडोर। किसने पेरेंटहुड का समर्थन करने के लिए व्हील्स ऑफ लव नामक कार्यक्रम लॉन्च किया? तो ये टाटा मोटर्स के द्वारा लॉन्च किया गया। किस राज्य में अर्जुन सहायक परियोजना शुरू हुई है? तो ये अर्जुन सहायक परियोजना शुरू की गई है उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला केंद्रीकृत AC रेलवे टर्मिनल कहाँ बना है? तो ये बनाया गया है हैदराबाद में। किस राज्य में रसिन बांध और चिल्लीमल बांध का उद्घाटन किया गया? तो यहाँ पर ये रसिन बांध और चिल्लीमल बांध ये इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? उत्तर प्रदेश में। केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेशक को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दे दी है? तो अब बीमा क्षेत्र में जो विदेशी निवेशक होते हैं वह 74% तक कर सकते हैं। कौन सा शहर भारत की EV राजधानी बन गया है? तो भारत की EV राजधानी है दिल्ली। मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में कौन शीर्ष पर पहुंचा है? तो छत्तीसगढ़ मनरेगा को के मामले में रोजगार देने में शीर्ष पर है। किस बैंक ने महिलाओं के लिए विकास आसान ऋण योजना शुरू की है? तो ये कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं विराट कोहली। किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने महिलाओं के लिए गरिमा बचत खाता शुरू किया है? तो ये है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। कितने राज्यों ने सफलतापूर्वक एक देश एक राशन कार्ड योजना लॉन्च किया है? तो ये है 17। नेक्स्ट है पहली जीनोम मैपिंग परियोजना कहाँ शुरू हुई की गई? तो ये हिंद महासागर में शुरू हुई। 16 मार्च 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो इस दिन मनाया गया राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। बेहद इंपॉर्टेंट है। 16 मार्च 2021 को कहाँ में चिनार दिवस मनाया गया? चिनार दिवस कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय बॉलर कौन है? तो ये हैं युजवेंद्र चहल। नेक्स्ट है किस राज्य के हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर को NCC में प्रवेश की मंजूरी दी है? तो ये केरल है।
विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसमें चाइना शीर्ष पर है। कौन सा देश यूएई को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो ये बन गया है अमेरिका। जम्मू कश्मीर के किस जिला प्रशासन ने ई सुविधा के नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है? तो ये है रामबन। टाइम के फ्रंट कवर पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये है इलियट पेस। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज कौन बन गई हैं? ये हैं भवानी देवी। सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के हथियार आयात में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 33%। विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बन गई है? तो ये है दिल्ली। नेक्स्ट है एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। सीबक थॉर्न वृक्षारोपण कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बन गए हैं? रिज अहमद। ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 की शुरुआत कहाँ हुई है? दिल्ली में। इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? कौशल्या शंकर को। किसने जम्मू कश्मीर के राजभवन में आवाम की बात कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये है मनोज सिन्हा। नेक्स्ट है मिशन ग्रामोदय का शुभारंभ कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में। अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाला विश्व का सबसे कम उम्र का युवा कौन बना? तो ये है विराट चंद्र। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिजर्व का विषय क्या था? राइट्स ऑफ रिवर्स। अमर एकुशी पुस्तक मेला 2021 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये ढाका में। किस देश ने संशोधित ISA फ्रेमवर्क समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर किए? इटली। हीरो मोटर्स कंपनी ने कहाँ अपना वैश्विक मुख्यालय स्थापित किया? लंदन में। उच्च स्तरीय अमेरिका चीन बैठक कहाँ शुरू हुई? तो ये अलास्का में शुरू की गई। नेक्स्ट है भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? 24.56%। विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बना? फिनलैंड। भारत का स्थान क्या है इसमें? 139वां। 11वीं हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती? तो ये जीती हरियाणा ने। ऑल इंडिया बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बने? तो ये हैं प्रणय हारे। वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य बनकर उभरा है कौन सा? मणिपुर। किसने वॉयस चैट 2.0 फीचर लॉन्च किया है? तो ये टेलीग्राम के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला कानून पारित किया है? तो स्पेन में अब इच्छा मृत्यु को वैध बना दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप में भारत की यशस्विनी देसवाल ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। लक्ष्मी प्रिया महापात्र का निधन हो गया, ये कौन थी? तो यहाँ पर ये लक्ष्मी प्रिया महापात्र कौन थी? तो ये उड़ीसा की नृत्यांगना थी। विश्व जल दिवस के अवसर पर 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के अवसर पर जल शक्ति अभियान कैच द रन किसने शुरू किया? तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया। ग्लोबल होम प्राइम इंडेक्स में कौन से स्थान पर भारत रहा है? तो भारत इसमें 56वें स्थान पर रहा है ग्लोबल होम प्राइम इंडेक्स। 22 मार्च 2021 को किस राज्य ने 109वां स्थापना दिवस मनाया? तो बिहार ने मनाया है। इथेनॉल नीति रखने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो इथेनॉल नीति रखने वाला पहला राज्य बन गया है भारत। नेक्स्ट है भारत के पैरा एथलीट सिंह राज ने 2021 पैरा निशानेबाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। किस देश के ली जी जिया ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है? तो ये मलेशिया ने जीती है। किस राज्य सरकार ने देखो अपना प्रदेश अभियान शुरू किया है? तो अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। क्या शुरू किया है? देखो अपना प्रदेश अभियान। 23 मार्च 2021 को मनाए गए
विश्व मौसम विज्ञान दिवस का विषय क्या था? तो इसका विषय है महासागर, हमारी जलवायु और मौसम। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है कंगना रनौत को। 2 दिवसीय नंदनी नदी महोत्सव का समापन कहाँ हुआ है? तो इसका समापन कहाँ हुआ है? मंगलोर में। किस राज्य ने पशुओं के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करने का निर्णय लिया है? तो आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है शेख मुजीबुर रहमान को। किस देश में स्थित संगे ज्वालामुखी फटा है? तो ये संगे ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? इक्वाडोर में। नेक्स्ट है, ICC T20 रैंकिंग में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी पहले स्थान पर रही है? तो ये है शेफाली वर्मा। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो मध्य प्रदेश के साथ में। रूस ने कितने देशों के लिए स्पेस में 38 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो 18 देशों के लिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य को दिल्ली के साथ जोड़ा गया है? तो इसमें सिक्किम को जोड़ा गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया? तो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान। किस राज्य सरकार ने केला महोत्सव आयोजित किया? तो ये केला महोत्सव उत्तर प्रदेश कुशीनगर में आयोजित किया गया। चर्चा में रहे दुनिया की पहली शिप टनल परियोजना कहाँ बन रही है? तो ये बन रही है नॉर्वे में। ISSF विश्व कप में चिंकी यादव ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत 40वें स्थान पर रहा है। भारतीय तट रक्षक जहाज वज्र को कहाँ कमीशन किया गया है? तो चेन्नई में। बेवरली क्लीरी का निधन हुआ है, ये कौन थी? तो ये बेवरली क्लीरी कौन थी? यह एक लेखक थी। चित्रा नायक को किस कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? यह है इन्फोइस। नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने किस शहर में ग्राम उजाला योजना शुरू किया है? वाराणसी में। AFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये भारत के द्वारा किया जाएगा। छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? खजुराहो मध्य प्रदेश में। WWR ने किस भारतीय रेसलर को हाफ ऑफ फेम में शामिल किया है? तो ये है द ग्रेट खली। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है आशा भोसले को। किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में योगासन को शामिल किया है? तो ये किरण रिजू के द्वारा शामिल किया गया है। ICC महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत किसने घोषित किया? गर्ल गैंग ने। 27 मार्च 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? अर्थ आवर डे। 27 मार्च 2021 को और किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये था विश्व रंगमंच दिवस। 28वें हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? गोवा में किया गया 28वें हुनर हाट का उद्घाटन। पर्वतारोही रोहतास खिलेड़ी एवं अनु यादव ने किस सबसे ऊंची चोटी पर 24 घंटे रुकने का रिकॉर्ड बनाया? तो ये है किलिमंजारो। किस देश ने शाहीन 1A मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। टीबी मुक्त भारत के प्रयास के तहत आदिवासी टीबी पहल की शुरुआत किसने की है? तो ये आदिवासी टीबी पहल की शुरुआत की गई डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के द्वारा। शहीद अशफाक उल्लाह खां पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये शहीद अशफाक उल्लाह खां पार्क का उद्घाटन गोरखपुर उत्तर प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है, रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, यहाँ पर नासा ने किस ग्रह के बर्फीली रेत के टीलों की तस्वीर साझा की है? तो यहाँ पर मंगल ग्रह। बांग्लादेश के ढाका और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी को आपस में जोड़ने के लिए कौन सी ट्रेन की घोषणा की गई? तो यहाँ पे मिताली एक्सप्रेस की घोषणा की गई। ये किसको किसको जोड़ेगी? तो बांग्लादेश का ढाका और यहाँ पर पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी को आपस में जोड़ेगी। किस देश के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये माउंट मेरापी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है इंडोनेशिया में। शूटिंग वर्ल्ड कप में बिहार की श्रेयसी सिंह ने वुमेन ट्रैप
इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। किस देश के ज्वालामुखी में 900 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ है? तो ये आइसलैंड का है। फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया? तो इरफान खान को दिया गया। और फिल्म फेयर अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो ये थी फिल्म थप्पड़। यूएस ने किस देश के साथ सभी व्यापारिक संबंधों को निलंबित किया है? तो म्यांमार के साथ में। नेक्स्ट है, स्कोप की नई चेयरपर्सन कौन बनी है? ये है सोमा मंडल। स्वेज नहर में कौन से जहाज के फंसने के कारण यातायात अवरुद्ध हो गया था? तो ये है एवर गिवन। 31 मार्च 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इसी मनाया गया इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी। द सेंटर फॉर, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? IIM जम्मू में। किस देश के सशस्त्र बल प्रमुखों ने अचानक इस्तीफा दे दिया? तो ये ब्राजील के हैं। नेक्स्ट है, महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? खजुराहो मध्य प्रदेश में। ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें भारत शीर्ष पर रहा है। कहाँ पर ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया? जम्मू कश्मीर में। चेक आउट विद क्रिप्टो की नई सुविधा की घोषणा की गई है, किसने किया ये घोषणा? पेपल के द्वारा की गई। 2020 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाबे को, पुस्तक सनातन के लिए, पुस्तक का नाम, इसी पुस्तक के लिए इन्हें 2020 का सरस्वती सम्मान दिया गया। केंद्र सरकार ने स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर नए वाहन की खरीद पर कर में कितने प्रतिशत की रियायत प्रदान की है? तो 25% की। 1 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इस दिन मनाया गया उत्कल दिवस। किस राज्य सरकार ने बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा की है? तो ये पंजाब के द्वारा किया गया। ICC ODI रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर रहा है? तो इसमें विराट कोहली शीर्ष पर रहे हैं। 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का आयोजन कहाँ पर किया गया? भुवनेश्वर में। हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार बना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक यूपी के हर गरीब के पास घर होने की घोषणा की है? तो 2022 तक किया गया है यह घोषणा। 2 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इस दिन मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस। किस राज्य में होने वाली राष्ट्रीय जूनियर हॉकी चैंपियनशिप को स्थगित किया गया है? तो ये झारखंड की है। किस बैंक ने संपर्क रहित रुपे कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यूनियन बैंक के द्वारा। जम्मू कश्मीर में कौन सी झील संरक्षित आर्द्रभूमि घोषित की गई है? तो ये डल झील है जिसे घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने राज्य में प्रवेश से पहले निगेटिव RT-PCR टेस्ट को अनिवार्य किया है? तो उत्तराखंड के द्वारा। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को बीमा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान। भारतीय सेना किस देश में सातिर अग्र सेना 2021 सैन्य अभ्यास में भाग लेगी? तो ये बांग्लादेश है। किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला COVID-19 टीका विकसित किया है? तो जानवरों के लिए COVID-19 टीका रूस के द्वारा विकसित किया गया। किस बैंक ने जापान बैंक के साथ $1 बिलियन ऋण समझौता किया है? SBI। WEF के जेंडर गैप सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो आइसलैंड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जेंडर गैप सूचकांक 2021 में आइसलैंड शीर्ष पर रहा है। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये तेलंगाना में किया जाएगा। कौन सा रेलवे जोन भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत भारतीय रेलवे जोन बन गया है? तो ये है पश्चिम मध्य रेलवे। ICICI ने फास्टैग जारी करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो फोनपे के साथ में। अनिया मिथुन ने दक्षिण एशियाई विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किसने लगातार दूसरी बार मियामी ओपन टेनिस चैंपियनशिप जीता है? एस्ले बार्टी ने। किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया? दृढ़ता, साझेदारी और प्रगति। किस राज्य के राज्यपाल बिश्वभूषण हरिचंदन को
कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, तो ये आंध्र प्रदेश के हैं। किस राज्य सरकार ने अम्बोली को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया है, तो ये महाराष्ट्र का है। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये है मल्लिका श्रीनिवास। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिवस के रूप में 5 अप्रैल 2021 को घोषित किया गया है, तो अब 5 अप्रैल को अब से क्या मनाया जाएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस। अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये है डॉक्टर चिंतन वैष्णव। मियामी ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो ये जीता है पोलैंड के हॉर्बर्ट हरकाज ने। 5 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस। COVID-19 डिजिटल यात्रा पास को स्वीकार करने वाला पहला देश बना है सिंगापुर। फ्रांस और क्वाड देशों, क्वाड में कौन कौन से देश आते हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच बंगाल की खाड़ी में किस बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया, लॉ पेराज। वर्ष 2023 की विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो ताशकंद, और ये कहाँ पर स्थित है, उज्बेकिस्तान में। BCCI भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख किसे चुना गया है, सबीर हुसैन शेखामंद खंडवाला। 7 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया, विश्व स्वास्थ्य दिवस। सूचना अनुसार रेलवे को वर्ष 2020-21 में स्क्रैप की बिक्री से कितनी राशि प्राप्त हुई है, तो ये 4573,000 करोड़ रुपए। टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश कौन बना, तो ये है उत्तर कोरिया। नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में मदद देने के लिए किस नाम से पहल का शुभारंभ किया, तो इसका नाम है सार्थक। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा पुस्तक ओडिशा इतिहास का हिंदी संस्करण जारी किया गया, ये ओडिशा इतिहास के लेखक कौन हैं, तो इसे लिखा है उत्कल ने, उत्कल केसरी, डॉक्टर हरे कृष्णा मेहताब, और इसका हिंदी अनुवाद किया है शंकर लाल पुरोहित ने। सर्वोच्च न्यायालय ने किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल को लॉन्च किया है, तो इसका नाम क्या है, सुपेस, SUPACE। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विश्व का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक का पता लगाने में सहायक किस उपकरण की शुरुआत की है, तो ये है ETD नैनो स्निफर। किस देश के महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति प्रिंस फिलिप का 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो ये ब्रिटेन की है। महाकवि सूरदास की तपस्थली महमदपुर गांव का नाम बदलकर क्या किया गया है, तो इसका नाम अब परासोली हो गया है। किस नगर निगम का 150 करोड़ रुपए का ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड BSE एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ, गाजियाबाद। किस सैन्य अधिकारी ने एकल साइकिलिंग में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया, तो ये है भरत पन्नू। किन दो IPL मैचों के साथ IPL का 14वां सीजन शुरू हुआ, तो ये है मुंबई इंडियंस एवं रॉयल चैलेंजर बंगलोर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड सरकार ने बद्रीनाथ और केदारनाथ सहित कितने मंदिरों को राज्य नियंत्रण से मुक्त किया है, तो टोटल 51 मंदिर हैं इसमें। दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर ऋषि राज पाठक को उनके काव्य संग्रह अदोन्मेष के लिए किस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, तो ये पुरस्कार का क्या नाम है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण के लिए देश भर में किस उत्सव का आयोजन किया गया, तो यह है टीका उत्सव। 11 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो इस दिन मनाया गया विश्व पार्किंसन दिवस। नागर विमानन मंत्रालय ने किस देश के साथ एयर बबल समझौते को अंतिम रूप दे दिया है, श्रीलंका। 42 साल बाद पूर्वी कैरेबियन आइलैंड पर स्थित किस ज्वालामुखी में अचानक से विस्फोट हुआ, लॉस ऑफ रियल। भारतीय केंद्रीय औषधीय महानियंत्रक के रूस ने रूस में बने किस वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की अनुमति प्रदान की, स्पुतनिक 5 है ये।
बांग्लादेश में भारतीय परिषद द्वारा विकसित संस्कृत सिखाने वाले किस ऐप का शुभारंभ हुआ? लिटिल गुरु। नेक्स्ट है, 74वें बाफ्टा पुरस्कार में बेस्ट अभिनेता एवं बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया? तो इसमें है क्रमशः एंथनी हॉपकिंस द फादर के लिए और फ्रांसिस मैकडोरमंड नोमैड लैंड के लिए। नेक्स्ट है, यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया है? तो ये है नोरा अल मातरोसी। 13 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? सियाचिन दिवस। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का कौन सा जिला वर्ष 2020-21 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल कार्यान्वयन में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये है उधमपुर जिला। जलियांवाला बाग नरसंहार की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई 13 अप्रैल 2021 को? तो 102वीं वर्षगांठ। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो ये है सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित 6ठा रायसेना डायलॉग 2021 में मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे रवांडा के राष्ट्रपति एवं डेनमार्क के प्रधानमंत्री। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धावक दुती चंद को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार। राष्ट्र संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? 130वीं जयंती। पोषण के बारे में जनता में जागरूकता फैलाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने किस अभियान की शुरुआत किया है? तो इसका क्या नाम है? आहार क्रांति। आदर्श वाक्य क्या है इसका? उत्तम आधार, उत्तम आहार, उत्तम विचार। असम में बर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया BCI द्वारा पक्षियों के लिए किस गणना की शुरुआत की गई? तो यह है बोहाग विहू पक्षी गणना। नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को पछाड़कर किस पाकिस्तानी बल्लेबाज ने ICC वनडे रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो यह है बाबर आजम। 15 अप्रैल 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व कला दिवस तथा हिमाचल दिवस 50वां। किस प्रसिद्ध कवि को वर्ष 2021 का लोक नायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार दिया गया? कट्टीपद राव को। यहाँ पर रिपोर्ट जारी की गई है 15 अप्रैल 2021 को। जारी रिपोर्ट के अनुसार टीका उत्सव के तहत कितने लोगों को टीके लगाए गए? तो 1,28,00,000 से अधिक को। बंगलोर के वैज्ञानिक ने सीवरों से उत्पादित जहरीले और ज्वलनशील हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का पता लगाने के लिए किसका विकास किया है? इलेक्ट्रॉनिक नॉब का। भारत और किस देश के अंतरिक्ष एजेंसियों ने देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? फ्रांस। अमेरिका ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स शुरू करने की घोषणा की है? भारत के साथ में। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विश्व के पहले किफायती और टिकाऊ किस स्वच्छ उत्पादन श्रृंखला की शुरुआत की है? डूरो किया श्रृंखला। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने किस भगोड़े कारोबारी के प्रत्यर्पण को मंजूरी प्रदान की? तो यह है नीरव मोदी। कोविड संक्रमण में तेज बढ़ोतरी के कारण किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम ESMA लागू किया है? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया। वियतनाम के विदेश मंत्री कौन बने हैं? बुई थान सोन। किस देश ने अपने सभी नागरिकों को पाकिस्तान से वापस आ जाने को कहा है? तो ये फ्रांस है। इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। स्पुतनिक 5 को स्वीकृति देने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बन गया है? तो ये है 60वां देश। नेक्स्ट है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता? विनेश फोगाट और अंशु मलिक। 16 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इस दिन मनाया गया विश्व आवास दिवस। दुनिया की 100वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा की चोटी पर पहुंचने वाली भारत की प्रथम महिला कौन बनी? प्रियंका मोहिते, सतारा महाराष्ट्र की है ये। भारत ने महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 7। सरकार ने सभी राज्यों के जन स्वास्थ्य केंद्रों में कितने प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन PSA ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की?
162। नेक्स्ट है, महान हिंदू दार्शनिक और चिंतक श्री रामानुजाचार्य की कौन सी जयंती मनाई गई? तो यहाँ पर 1004वीं। ताशकंद में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में मीराबाई चानू महिलाओं की 49 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क श्रेणी में कितने किलोग्राम वजन उठाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? 119 किलोग्राम। किस देश ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क शुरू किया है? इटली। 19 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व लीवर दिवस। किसने मंगल ग्रह पर सफल उड़ान भरकर इतिहास रचा है? तो यह है नासा के मार्स हेलीकॉप्टर ने। दुनिया दीपक पूनिया ने कजाखस्तान के अलमाटी में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक हासिल किया है? रजत पदक। समुद्री पर्यावरण में प्लास्टिक कचरे के प्रवेश को रोकने के लिए किन दो देशों ने समझौता किया है? तो ये भारत और जर्मनी के बीच किया गया है। कन्नड़ भाषा के किस महापुरुष का बेंगलुरु में 107 वर्ष की आयु में निधन हो गया? जी वेंकट सुबैया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस अधिनियम को पूर्व तिथि से लागू करने की स्वीकृति प्रदान की है? वित्त अधिनियम 2021। क्यूबा के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये है मिगेल डियाज कैनेले। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में 180 देशों के रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? 142वें। प्रथम स्थान पर कौन है? तो नॉर्वे है। झारखंड सरकार ने राज्य में COVID-19 के प्रकोप को रोकने के उद्देश्य से 22 से 29 अप्रैल तक किस सप्ताह के रूप में मनाने की घोषणा की? स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह। WHO ने किस अफ्रीकी देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया? तो ये गाम्बिया को किया है। 21 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इस दिन मनाया गया राष्ट्रीय लोक दिवस। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने राज्य सरकारों और देश के निजी अस्पतालों के लिए अपनी कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत कितनी तय की? तो ये 400 और 600 रुपए तय की थी, लेकिन अब फ्री में लगाई जा रही है। नेक्स्ट है, विवाहित महिलाओं की सौंदर्य प्रतियोगिता में मिसेज वर्ल्ड किसे चुना गया है? तो ये है आयरलैंड की किट स्नाइडर। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी सीनेट ने एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त किया है? वनिता गुप्ता। 22 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इस दिन मनाया गया विश्व पृथ्वी दिवस। पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहां से कहां तक के लिए शुरू की गई? विशाखापत्तनम से लेकर मुंबई के बीच। रासायनिक हथियार निषेध संगठन ने बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना है? जीसी मुर्मू को। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मंगलयान परसीवरेंस ने मंगल ग्रह के वायुमंडल में विद्यमान किस गैस से ऑक्सीजन बनाने में कामयाबी हासिल की है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, भारतीय महिला मुक्केबाजों ने पोलैंड के किले में चल रही युवा विश्व चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 7 जीते हैं। RBI ने आर्थिक संकट का सामना कर रहे किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो ये है भाग्योदय फ्रेंड बैंक। जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का विषय क्या था? तो इसका विषय था वर्ष 2030 के लिए हमारी सामूहिक तेज दौड़। नैसकॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है रेखा मेनन। 23 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व पुस्तक दिवस मनाया गया। यूनेस्को द्वारा विश्व पुस्तक राजधानी 2021 किसे नामित किया गया है? तो ये किया गया है तिब्लिसी, जॉर्जिया की राजधानी है ये। प्रधानमंत्री मोदी किस योजना के तहत ग्रामीण लोगों को ई प्रॉपर्टी कार्ड विकसित करेंगे? तो इस योजना का क्या नाम है? स्वामित्व योजना। किस भारतीय पर्वतारोही ने नेपाल के टेक्निकल माउंटेन लोबुचे को लगातार 24 घंटे चढ़ाई करके फतह किया है? तो ये है अनीता कुडू, हिसार हरियाणा की हैं। भारत स्वीडन जलवायु पहल में कौन सा देश शामिल हो गया है? तो अमेरिका। 24 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। A.R. रहमान ने स्वतंत्र भारतीय संगीतकारों को सशक्त बनाने के लिए किस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? तो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? मज्जा। 25 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इस दिन मनाया गया मलेरिया दिवस। 19वां द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2021 किन देशों के बीच अरब सागर में शुरू हुआ? तो ये भारत और फ्रांस के बीच।
अंतरराष्ट्रीय पर्वतारोही एवं हिसार की अनीता कुडू को किस पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये है तेंजिंग नोर्गो नेशनल अवार्ड। बनारस घराने के मशहूर किस शास्त्रीय गायक का निधन हो गया? तो ये है पंडित राजन मिश्र। 93वें ऑस्कर अवार्ड 2021 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? नोमैड लैंड को। 93वें ऑस्कर अवार्ड 2021 के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये है क्रमशः अभिनेता कौन है, थोसी हॉपकिंस द फादर एवं फ्रांसिस मैकडोरमंड नोमैड लैंड। नेक्स्ट है 26 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। बांग्लादेश में किस कट्टर इस्लामिक संगठन ने अपनी 249 सदस्यीय केंद्रीय समिति को भंग करने की घोषणा की? हिफाजत ए इस्लाम। तीरंदाजी विश्व कप में किस भारतीय महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये है रिकर्व टीम। सुर्खियों में रहा किस देश की परियोजना डेंटक ने 60 साल पूरे किए हैं? तो ये है भूटान की। किस राज्य की एक झील में डॉल्फिन की आबादी दोगुनी हो गई है? तो ये उड़ीसा की है। बरहमा बर्सिलोना ओपन खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने। भारत अर्थ एंड मूवर्स लिमिटेड का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अमित बनर्जी को। अमेरिका के निचले सदन में किस शहर को 91वां राज्य बनाने के लिए बिल पारित किया गया है? वाशिंगटन डीसी। किस कंपनी ने भारत को 135 करोड़ रुपए का वित्त पोषण प्रदान करने की घोषणा की है? गूगल। किस बैंक ने एक इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम शुरू की है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। 28 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? श्रमिक स्मृति दिवस। किस देश के पूर्व क्रिकेटर पैट कमिंग ने पीएम केयर फंड में $50,000 दान किए हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। किस कंपनी ने डिलीवरी स्टार्टअप डेली जॉय का अधिग्रहण किया है? तो ये है लेंस कॉर्ड। किस देश की कैबिनेट ने सार्वजनिक स्थानों पर सभी प्रकार के फेस कवरिंग पर प्रतिबंध को मंजूरी प्रदान कर दी? श्रीलंका। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला ई पंचायत पुरस्कार 2021 किसने जीता है? उत्तर प्रदेश ने जीता है। सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन बन गया है? तो 2020 में सबसे अधिक सैन्य खर्च अमेरिका के द्वारा किया गया। पर्पोज ऑफ टॉन्स विषय के साथ विश्व भर में 29 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इस दिन मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में किस भारतीय कंपनी ने जगह बनाई? जियो ने। किस राज्य में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल शुरू की गई? तो ये हरियाणा में किया गया। BRO में कमांडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? वैशाली एस हिवोसे। नेक्स्ट है चौंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो फिनलैंड और भारत का स्थान 49वां है। नेक्स्ट है किस देश ने रोबोट प्रोटोटाइप NEO-01 क्लियर स्पेस डेब्रिस लॉन्च किया है? तो ये चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? कृति करंत। 30 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? आयुष्मान भारत दिवस। किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर संपन्न हुआ? भारत और किर्गिस्तान। बिश्केक में हुआ, राजधानी किर्गिस्तान। नेक्स्ट है किस देश ने 2049 तक कोयला उत्पादन को बंद करने की घोषणा की है? तो ये पोलैंड के द्वारा किया गया। दुनिया का सबसे लंबा 516 पैदल यात्री सस्पेंशन पुल अरोका कहाँ पर शुरू किया गया? पुर्तगाल में। किस राज्य सरकार ने बालगृह में आने वाले सभी अनाथ बच्चों के उत्थान के लिए हरिहर नीति को मंजूरी प्रदान की? हरियाणा। 1 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। नेक्स्ट है 1 मई 2021 को किस राज्य ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया? तो महाराष्ट्र और गुजरात ने। जापान सरकार ने किस भारतीय शिक्षिका को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया? तो ये हैं श्यामला गणेश। पंडित देवव्रत चौधरी उर्फ देवू चौधरी का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये थे सितार वादक।
भारत सिंगल क्रिस्टल ब्लेड प्रौद्योगिकी को विकसित करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? तो ये है पांचवें नंबर का। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने लगातार कितनी बार सत्ता बरकरार रखी है? तो तीसरी बार। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से हार गए हैं। तो वो हारने के बाद छह महीने के लिए मुख्यमंत्री बनाई जा सकती है। इस बीच उन्हें इलेक्ट होके आना होगा। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल में विधानसभा के 249 सीटों में तृणमूल कांग्रेस ने कितनी सीटों के साथ जीत हासिल की? 213 और भाजपा को 77 सीटें मिली हैं। असम विधानसभा के 126 सीटों में भाजपा ने कितनी सीटें हासिल की? 75 और कांग्रेस ने 50। केरल विधानसभा के 140 सीटों में एनडीएफ ने कितनी सीटें हासिल की? 97। यूडीएफ ने 41। पुदुचेरी विधानसभा के 30 सीटों में भाजपा ने कितनी सीटें हासिल की थी? 16 और कांग्रेस ने 8 सीटें। तमिलनाडु विधानसभा के 243 सीटों में डीएमके ने कितनी सीटें हासिल की? 157 और एआईडीएमके ने 75। नाइजर के तहोवा क्षेत्र में सेना के गश्ती दल पर हमला के कारण कितने सैनिकों की मृत्यु हो गई? तो टोटल 16 सैनिकों की। भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ये हैं अर्जुन कल्याणा। सूचना से जन कल्याण विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया 3 मई 2021 को? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। रूस ने जानवरों के लिए किस नाम से कोरोना वायरस का टीका विकसित किया है? तो ये है कार्निवेस कोव। आयुष मंत्रालय ने किस पॉली हर्बल औषधि की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं? आयुष 64। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए किससे एथलीट एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? तो ये है पीवी सिंधु भारत की और मिशेल ली और ये कनाडा के हैं। देश के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत कहाँ पर की गई? मुंबई में। विश्व स्नूकर चैंपियंस 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मार्क सेल्वी, इंग्लैंड के हैं, और सॉन मर्फी, इंग्लैंड की, इन्होंने पराजित किया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेंडिला गेट्स ने अपने शादी कितने साल बाद तलाक लेने का फैसला किया? कि शादी के कितने साल बाद? तो 27 साल। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है रमन मीनाक्षी सुंदरम। 5 मई 2021 को किस विषय के साथ विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया? तो ये है सेकेंड सेव लिप्स क्लियर योर हैंड्स। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के किस उपबंध को अधिसूचित किया है? उपबंध 142। अफगानिस्तान के लोकार प्रांत में हुए आतंकवादी हमले में कितने लोगों की जान गई? तो 21 की। सूचना अनुसार मेघालय के पश्चिम खासी हिल्स जिले के पास लगभग कितने साल पुराने सारोपॉड डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं? 10 करोड़ साल। ट्विटर ने कौन सा नया फीचर लॉन्च किया है? तो ये है स्पेसेस। 22वां लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 के तहत स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो मैन का अवार्ड दिया गया राफेल नडाल को और वुमेन का नाओमी ओसाका को। 7 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व एथलेटिक्स दिवस। सीमा सड़क संगठन BRO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये है 61वां। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता अनुपम खेर को किस शॉर्ट फिल्म के लिए न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो ये है हैप्पी बर्थडे। 8 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। DRDO ने कोरोना संक्रमितों के लिए किस औषधि को विकसित किया है? 2-डिऑक्सी-डी-ग्लूकोज। किस योग गुरु का निधन हो गया है? तो ये है स्वामी अध्यात्मानंद। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों और अभिभावकों का मानसिक तनाव दूर करने के लिए CBSE ने किस ऐप को शुरू किया है? तो ये है दोस्त फॉर लाइफ। अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस से विश्व स्वास्थ्य सभा की वार्षिक बैठक में
किसे पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित करने का आग्रह किया है? तो ये है ताइवान। कोविड वैक्सीन आपूर्ति के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? उत्तर प्रदेश। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस चाइनीज कंपनी के वैक्सीन को इमरजेंसी के इस्तेमाल की मंजूरी प्रदान की? सिनोफार्म। नेपाल के किस पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 25वीं बार चढ़ने वाली दुनिया की पहली पर्वतारोही बन गई है? तो यह है कौमी रीता सेपा। 9 मई 2021 को किसकी जयंती मनाई गई? गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की। 9 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो वर्ल्ड मदर्स डे। चीन से अंतरिक्ष में भेजा गया कौन सा रॉकेट अनियंत्रित होकर हिंद महासागर में गिर गया? लॉन्ग मार्च 5B। मैड्रिड ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है एस्ले बॉटी, ऑस्ट्रेलिया के हैं। पत्रकार सकूर रोथेर की पहली किताब लाइन इन द क्लॉक टावर वैली को किसने प्रकाशित किया है? तो ये किया गया है स्पीकिंग टाइगर्स ने। लेबर पार्टी के किस नेता को दूसरी बार लंदन के मेयर के रूप में चुना गया है? तो ये हैं सादिक खान। भारत के किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री ने सदन में विश्वास मत खो दिया? तो नेपाल है, प्रधानमंत्री KP ओली शर्मा है। किस केंद्र शासित प्रदेश ने हर घर नल का लक्ष्य निर्धारित समय से काफ़ी पहले हासिल कर लिया है? तो पुदुचेरी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने किसे कार्यकारी निदेशक फूड एंड रिफ्रेशमेंट नियुक्त किया है? तो यह है श्री नंदन सुंदरम। RBI का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो जोस जे कट्टर को। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने किस योजना के तहत म्यूकोरमिकोसिस के रोगियों का मुफ्त इलाज करने की बात कही? महात्मा फुले जन आरोग्य योजना। ट्विटर ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए भारत को कितने डॉलर की सहायता राशि के रूप में दान दिया है? 110 करोड़। 11 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। किसे वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल इस्टेट को। 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। 12 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। सरकार ने कोविड के बाद म्यूकोरमिकोसिस की जटिलता से निपटने के लिए किस दवा की उपलब्धता बढ़ा दी? तो यह है एम्फोटेरिसिस बी। किस देश ने बूचड़ खानों के लिए पशुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? इंग्लैंड। किस देश ने मेट्रो सेवा का पहला परीक्षण किया है? बांग्लादेश के ढाका में किया गया है ये। इंग्लिश प्रीमियर लीग किसने जीता है 2020-21 का? तो मैनचेस्टर सिटी मैनचेस्टर यूनाइटेड को हरा कर जीता गया है। केंद्र सरकार ने किसे परामर्श के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने का निर्णय लिया है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक। BCCI ने किसे भारतीय सीनियर महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो रमेश पोवार को नियुक्त किया है। किस देश की टीम ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार है? भारतीय टीम। इंदु जैन का निधन हो गया, वह कौन थी? वह टाइम समूह की अध्यक्ष थी। एलन मास्क की कंपनी टेस्ला ने किस आभारी मुद्रा में भुगतान लेने से मना कर दिया? बिटकॉइन। मणिपुर सरकार ने ताजी सब्जी के होम डिलीवरी के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? मोमो मार्केट। 15 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। निर्वासित तिब्बत सरकार के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो ये हैं पेपा सेरिस। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किस शहर को पंजाब राज्य का 23वां जिला बनाने की घोषणा की है? तो ये है मलेरकोटला। भारतीय मूल के किस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो ये है नीरा टंडन। किस राज्य की पुलिस ने कोविड मरीजों की आवश्यक सामग्री की पूर्ति के लिए मिशन हौसला शुरू किया है? उत्तराखंड। 16 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व कृषि पर्यटन दिवस। गुजरात के तट पर किस चक्रवाती तूफान ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई? ताउते। नामकरण इसका म्यांमार के द्वारा किया गया था। 16 मई 2021 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो सिक्किम का मनाया गया।
किसने यूरोपियन टूर विटरन ब्रिटिश मास्टर्स गोल्फ खिताब जीतकर नया इतिहास बना दिया है? तो ये है रिचर्ड ब्लेड, इंग्लैंड के हैं। किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमोर्ग लॉन्च किया है? तो ये ईरान का है। 17 मई 2021 को किस विषय के साथ विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया? अपने रक्तचाप को मापे, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहें, यह इसकी थीम थी। 17 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व दूर संचार दिवस। मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये एंड्रिया मेजा हैं, मैक्सिको की हैं ये। 10वां इटालियन ओपन का खिताब विश्व के नंबर एक खिलाड़ी नोवाक जोकोविक को हराकर किसने जीता है? राफेल नडाल ने। कोविड महामारी के बावजूद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कितने लाख कर कामगारों को काम दिया गया? तो 1,85,00,000। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को किस पुरस्कार से नवाजा गया? तो ये है अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस योजना के तहत वृद्धजनों के लिए कॉल सेंटर शुरू किए हैं? तो ये है एल्डर लाइन योजना। वन्य जीव फोटोग्राफी के बिग फाइव में भारत के किस पशु का नाम शामिल किया गया है? राष्ट्रीय पशु एशियाई बाघ। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसे नामित किया गया है? उदय उमेश ललित को। बिहार सरकार ने होम आइसोलेट कोविड 19 रोगियों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? हिट कोविड ऐप। किस महिला टीम ने चेल्सी को शिकस्त देकर पहली बार महिला चैंपियंस लीग का खिताब जीत लिया है? तो ये है बार्सिलोना महिला। जनजातीय स्कूलों के डिजिटल कायाकल्प पर भारत ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ में। 18 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। थीम क्या थी इसकी? फ्यूचर ऑफ म्यूजियम, रिकवर द रेमेजिंग। किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है? पश्चिम बंगाल। वर्तमान में संख्या कितनी है? 6। 18 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व एड्स वैक्सीन दिवस। केंद्र ने किस थेरेपी को कारगर नहीं पाए जाने के कारण कोविड उपचार प्रोटोकॉल से हटा दिया है? प्लाज्मा थेरेपी। एटीपी की जारी टेनिस रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन बने हुए हैं? नोवाक जोकोविक और ये सर्बिया के हैं। बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया है? शिव सुंदर दास को। ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? जेफ बेजोस दूसरे पर हैं, बर्नार्ड अर्नोल्ड। किसे 2020 का मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज से सम्मानित किया गया? शंकर बाला सुब्रमण्यम को। महाराष्ट्र सरकार म्यूकोर मिकोसिस से पीड़ित मरीजों को इलाज किस योजना के तहत करेगी? तो ये महात्मा ज्योतिराव फुले योजना के तहत। यूनेस्को द्वारा किन 6 भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल किया गया है? ये है वाराणसी का गंगा घाट, कांचीपुरम के मंदिर, सतपुरा टाइगर रिजर्व, हीरे बेंगल महापाषाण स्थल, मराठा सैन्य वास्तुकला, जबलपुर का खेड़ा घाट और लम्हेटा घाट। 21 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इस दिन मनाया गया वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। 20 मई 2021 को और कौन सा दिवस मनाया गया? तो मनाया गया विश्व मधुमक्खी दिवस। ऑक्सीजन पुनर्चक्र प्रणाली किसने तैयार की है? तो ये भारतीय नौसेना के द्वारा तैयार किया गया है। आयकर विभाग कब से नया ई फाइलिंग पोर्टल जारी करेगा? 7 जून। incometax.gov.in। किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है? तो झारखंड की सरकार के द्वारा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की एथलीट समिति का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? श्री जेस पराडू को। एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? गौतम अडानी प्रथम हैं, मुकेश अंबानी। भारतीय सेना का पहला किस विध्वंसक जहाज को 41 साल बाद सेवा मुक्त किया गया? तो ये है INS
राजपूत। 21 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय विरोधी दिवस। COVID-19 से लड़ाई के लिए स्वदेशी समाधान और वनोन्मेष उत्पादों के सहयोग के लिए केंद्र ने किस पहल की शुरुआत की है? तो ये है निधि फॉर COVID 2.0। गाजा में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध विराम की समाप्ति की मध्यस्थता किस देश ने की? मिस्र, कतर, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया गया। आयरलैंड के किस अनुभवी तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? बॉयस रैंकिंग ने खेल के विकास में योगदान के लिए एटिने ग्लिचिच अवार्ड से किसे नवाजा गया? तो ये हॉकी इंडिया को। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप सितंबर अक्टूबर 2022 कहां पर आयोजित किया जाएगा? भारत में। केन्या की संसद ने किसे सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनाने का निर्णय लिया है? तो ये है जज मार्था कोम। 22 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इस दिन मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता योजना शुरू की है? महाराष्ट्र की सरकार ने। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उत्तर कोरिया के लिए किसे विशेष दूत नियुक्त किया है? तो यह है सुंग किम। कांगो के किस ज्वालामुखी में 19 वर्षों बाद विस्फोट हुआ? तो यह है नायरा गोंगो। COVID-19 के कारण श्रीलंका में होने वाले एशिया कप 2021 को स्थगित कर दिया गया है। अब इसका आयोजन कब किया जाएगा? तो एशिया कप 2021 का आयोजन अब 2023 में किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने धोखे से वैवाहिक धर्मांतरण पर सजा वाले कानून को मंजूरी दी है? गुजरात। 24 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रमंडल दिवस। भारत और इजराइल ने कृषि सहयोग के लिए कितने वर्ष के कार्यक्रम संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 3 वर्ष। किस कंपनी ने अपने कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम की घोषणा की है? टाटा स्टील ने। किस टेनिस खिलाड़ी को टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के साथ जोड़ा गया है? अंकिता रैना हो। पंजाब के मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? पद्मश्री बलवीर सिंह सीनियर। किस डिजिटल कंपनी ने भारत में पहली बार कोविड वैक्सीनेशन कैश बैक प्रोग्राम लॉन्च किया है? भारत पे। फोर्ब्स के अनुसार जेफ बेजोस को पीछे कौन छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो ये हैं बर्नार्ड एर्नोल्ड, फ्रांस के। किस राज्य सरकार द्वारा घर पर कोविड मरीजों के इलाज के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की गई है? की शुरुआत की गई है तो हरियाणा। 25 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व थायराइड दिवस। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में मालदीव के किस शहर में भारत का नया महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है? इड्डू। खेल मंत्रालय ने देश के 7 राज्यों में कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दी है? 143। अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हैं वेलेरिना लूसेली। NDRF अकादमी नागपुर के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में किस पद के सृजन की मंजूरी दे दी गई है? निदेशक का पद है ये। हिमाचल प्रदेश सरकार ने लैंड सीलिंग एक्ट से किस जमीन को बाहर कर दिया है? चाय के बागानों को। उत्तर रेलवे ने किस खिलाड़ी पर हत्या के आरोप के कारण निलंबन का आदेश जारी किया है? तो यह पहलवान सुशील कुमार। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा सहित अन्य राज्यों में भारी तबाही मचाने वाले यास तूफान का नामकरण किसने किया है? ओमान ने। कोरोना टीका लगवाने वाले दुनिया के पहले पुरुष का निधन हो गया, उनका क्या नाम था? विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट है, किस भारतीय वेटलिफ्टर ने वर्ल्ड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में 73 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है? तो ये है अंचिता स्यूली। UAE ने किस बॉलीवुड अभिनेता को कोर्ट वीजा से सम्मानित किया है? संजय दत्त को। भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई नए शैक्षणिक सत्र से हिंदी सहित कितनी भारतीय भाषाओं में पढ़ाने की मंजूरी दे दी है? तो टोटल 8 भाषाओं में पढ़ाया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? VVR सुब्रमण्यम को। 28 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इस दिन मनाया गया मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। किसने चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है?
बशर अल असद ने किस देश के राष्ट्रपति ने 1994 में रवांडा में हुए नरसंहार में अपनी भूमिका के लिए माफी मांगी है? तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों। भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव को अक्षय ऊर्जा स्रोतों और अक्षय भंडारण के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए किस पुरस्कार से नवाजा गया है? तो ये है अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020। 19वें लॉस एंजेलिस भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के ऑडियंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? निर्देशक अजीत पाल सिंह की फिल्म फायर इन द माउंटेन्स। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश कौन बन गया है? तो ये है अमेरिका और पहले स्थान पर है सिंगापुर। 29 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। असम सरकार ने COVID-19 के कारण माता पिता खोने वाले बच्चों के कल्याण के लिए किस योजना की घोषणा की है? मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड के कारण अपने अभिभावक खो चुके बच्चों के लिए किस योजना की घोषणा की है? तो ये है PM केयर्स बाल योजना। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है कुलदीप सिंह, महानिदेशक हैं CRPF के। 30 मई 2021 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो ये गोवा के द्वारा मनाया गया। किस देश में कोरोना वायरस के भारतीय और ब्रिटिश रूप से मिले जुले रूप का पता चला है? तो ये है वियतनाम। बिहार सरकार ने बाल सहायता योजना के तहत कोरोना की वजह से अनाथ बच्चों के लिए कितने रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है? 1500 रुपये मासिक 18 वर्ष तक। माली के अंतरिम राष्ट्रपति किसे घोषित किया गया है? तो ये है कर्नल आसिमी गोइता। कमिट टू क्विट विषय के साथ कौन सा दिवस 31 मई 2021 को मनाया गया? तो यहाँ पर विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया 31 मई को। किस अमेरिकी अभिनेता का विमान दुर्घटना में निधन हो गया? तो ये है जो लारा। किस राज्य सरकार ने 7 विश्वविद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा देने का सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? तो ये गुजरात के हैं। तंबाकू नियंत्रण के प्रयासों के लिए WHO द्वारा WHO महानिदेशक विशेष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले अमेरिका के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये हैं आर्थर मोइर। माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई करने वाली महिला पर्वतारोही कौन बन गई हैं? तो ये हैं सांग इन हुंग, हांगकांग की हैं ये। केरल के किस छात्र को असाधारण छात्र श्रेणी में UAE का गोल्डन वीजा दिया गया है? ये इनका नाम क्या है? तो नाम है तस्नीम असलम। बेलग्रेड ओपन का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविक ने, और ये सर्बिया के हैं। 1 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व दुग्ध दिवस। TCS ने अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र कहाँ पर खोला है? एम्स्टर्डम में, नीदरलैंड में है ये। उर्दू को आसानी से समझने के लिए रिक्ता फाउंडेशन ने किस शब्दकोश की रचना की है? तो ये रिक्ता शब्दकोश नाम रखा गया है इसका। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना वायरस के विभिन्न वेरिएंट को वैज्ञानिक नाम से जाना जाने वाले नाम को अब किस शब्दों के आधार पर रखा जाएगा? तो ग्रीक शब्दों के आधार पर। WHO ने भारत में सबसे पहले पाए गए कोरोना वायरस के 2 वेरिएंट B.1.617.1 तथा B.1.617.2 को क्या नाम दिया है? तो इसका नाम है पहले वाले का कप्पा, दूसरे वाले का डेल्टा। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य सभा ने 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया है? विश्व NTD दिवस। किस देश ने रूस के साथ ओपन स्काई संधि में पुनः शामिल होने का फैसला किया है? तो अमेरिका है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शहरी विकास के लिए किस देश के साथ सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? जापान के साथ। भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित किस सदस्य का निधन हो गया? तो ये है TM कल्याणन गोंडोर।
31वां एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा तो चौथे स्थान पर, प्रथम पे कजाखस्तान रहा है। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले एशियाई नेत्रहीन कौन बन गए हैं, तो ये हैं चीन के झांग हूंग। भारत का स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर इंटीबैग को किसने विकसित किया है, तो ये IIT रोपड़ के द्वारा विकसित किया गया है। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं, वाइस एडमिरल नवनीत सिंह। 3 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया, विश्व साइकिल दिवस। CSIR ने पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किस नाम की नई तकनीक की शुरुआत की है, तो इसका नाम क्या है, स्वास्तिक। इजराइल के राष्ट्रपति कौन बने हैं, इसाक हरगोज। ICC महिला T20 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही हैं, तो ये हैं शेफाली वर्मा। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये हैं नितिन राकेश एवं जेरी विंड। व्हाट्सएप ने किसको भारत का शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है, तो ये हैं परेश पी लाल। RBI ने वित्त वर्ष 2021-22 में GDP की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, 9.5%। केंद्र सरकार ने TET पास करने के बाद उसके प्रमाण पत्र की वैधता 7 साल के बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो आजीवन कर दिया गया है। फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 शीर्ष खिलाड़ियों की सूची में विराट कोहली कौन से स्थान पर है, तो 59वें स्थान पर। किस देश की सरकार ने ट्विटर पर अनिश्चित काल के लिए पाबंदी लगाई, नाइजीरिया के द्वारा। 3 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैप हासिल करने वाली तीसरी भारतीय IT फर्म कंपनी कौन बन गई है, तो ये है विप्रो। नेक्स्ट है इंडियन वेस्ट फूड पार्क का उद्घाटन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहां पर किया, छत्तीसगढ़ में। नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किसने जीता है, थॉमस विजियन ने, और ये कनाडा के हैं। 5 जून 2021 को किस विषय के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, तो इस बार की थीम थी बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने COVID-19 से प्रभावित बच्चों के लिए किस ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल को लॉन्च किया है, तो ये है बाल स्वराज। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के महापंचायक किसे नियुक्त किया गया है, तो ये हैं ASJ विद्य प्रकाश। विश्व बैंक का शैक्षिक सलाहकार किस भारतीय को बनाया गया है, रंजीत सिंह दिसाले, ये महाराष्ट्र के हैं। राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों के लिए किस योजना की शुरुआत की है, तो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। असम के कोराझार जिले में स्थित किस पार्क को राज्य का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, राय मोना पार्क है ये। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2021 की राष्ट्रीय रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश ने कौन सा स्थान हासिल किया है, तो तीसरा, और प्रथम पर है मध्य प्रदेश। 7 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। फेसबुक ने भारत में शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया, तो ये हैं स्फूर्ति प्रिया। इसरो ने 3 प्रकार के वेंटिलेटर विकसित किए हैं, इसरो ने इनका नामकरण किस नाम से किया है, तो पहला है प्राण, वायु और स्वस्थ, ये 3 वेंटिलेटर बनाए गए हैं इसरो के द्वारा। किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है, दिल्ली सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस क्षेत्र को भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली जोन बनाने की घोषणा की है, तो ये है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्षेत्र केवड़िया गुजरात। नीति आयोग ने किन 2 बैंकों के निजीकरण की सिफारिश की है, तो ये है सेंट्रल बैंक एवं इंडियन ओवरसीज बैंक। भारतीय नौसेना ने स्वदेश में निर्मित किन 3 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर को अपनी बेड़े में शामिल किया है, तो ये है ALH MK3। टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 की लिस्ट में सबसे ऊपर किसे रखा गया है, तो ये है रिया चक्रवर्ती। 8 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस तथा विश्व महासागर दिवस। कोरोना में मरीजों तक मुफ्त में सही दवाइयां पहुंचाने के लिए सुनील शेट्टी ने किस पहल की शुरुआत की, तो ये है दवा भी और दुआ भी।
इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन ने 158 साल के इतिहास में पहली बार महिला प्रमुख के रूप में किसे चुना है? तो ये है डेवी हेबिट। नीति आयोग ने पीरामल फाउंडेशन के सहयोग से 112 जिलों में किस अभियान को शुरू किया है? सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। नेक्स्ट है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है संजीव सहाय। 67 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया है गया है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश की वाटर ब्यूरियल। 9 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व प्रत्यायन दिवस। इंटरपोल ने लापता व्यक्तियों की पहचान करने के लिए किस नाम से एक नया वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है? तो ये है आई फॉलो फैमिलिया। क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने देश में क्रिकेट कोचिंग के उद्देश्य से किस नाम से वेबसाइट लॉन्च किया है? क्रिकुरु। अल सल्वाडोर ने किस करेंसी को देश की वैध मुद्रा बनाने के बिल को मंजूरी प्रदान की है? क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुजरात मैरीटाइम बोर्ड गिफ्ट सिटी में। नेक्स्ट है असम के 7वें राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया गया है? तो यह है देहिंग पटकई। कोर्सेरा की ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा रैंक मिला है? 67वां रैंक। प्रदूषित हवा को शुद्ध करने के लिए स्मॉग टावर लगाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है दिल्ली। ट्विटर के साथ गतिरोध के बाद नाइजीरिया सरकार का आधिकारिक हैंडल अब किस प्लेटफॉर्म पर है? कू। जिम्बाब्वे के किस लेखक को पेन प्रिंटर पुरस्कार 2021 दिया गया? तो ये हैं तित्सी डोंगो रेम्बोगा। भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती अभ्यास इंडो थाई कॉर्पेट का 31वां संस्करण किस सागर में शुरू हुआ? अंडमान में। फ्रेंच ओपन का मिश्रित युगल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है डिजायर क्रॉसिक और जो सैलिस बरी, और ये ब्रिटेन के हैं। टोक्यो ओलंपिक में वर्ल्ड वाइड कार्ड के जरिए प्रवेश लेने वाले खिलाड़ी कौन बनी हैं? तो ये हैं जो प्रवेश मिलते ही भारत की पहली ताइक्वांडो खिलाड़ी बन जाएंगी, अरुण तंवर। श्रीलंका जाने वाली भारतीय टीम कप्तान एवं उप कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं शिखर धवन कप्तान हैं और भुवनेश्वर कुमार इसके उप कप्तान नियुक्त किए गए हैं। किस जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट का निधन हो गया है? तो ये है डॉक्टर अशोक पनगढ़िया। किस अर्थशास्त्री और पर्यावरणविद का निधन हो गया है? तो ये है प्रोफेसर राधा मोहन। भारत की किस स्टार पहलवान ने पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम में स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो ये है विनेश बोगाट। भारत के जैविक कृषि उत्पादों के निर्यात में 2020-21 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 51% की। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर किसे रखा गया है? तो इसमें है ऑकलैंड न्यूजीलैंड। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 के 23वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? भारतीय अभिनेत्री तिलोत्मा सोम। फेरारी ने अपनी कंपनी का नया CEO किसे नियुक्त किया है? तो ये हैं बेनेडेटो विग्ना। नेक्स्ट है किस देश की नेवी अपना पहला पूरी तरह से स्टील्थ तकनीक से लैस जहाज बना रहा है? रूस। 12 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस एंटी फंगल और एंटी वायरल दवाई को GST के दायरे से बाहर कर दिया है? तो ये है क्रमशः एम्फोटेरिसिन बी और टोसिलीजुमैब। भारतीय मूल के किस अमेरिकी पत्रकार को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया है? ये है मेघा राज गोपालन। विस्फोट प्रतिरोधी हेमलेट के लिए IIT रुड़की के किस प्रोफेसर को NSG पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है प्रोफेसर शैलेश गोविंद गणपुले। फोर्ब्स द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकियों की सूची 2021 में किसे नामित किया गया है? तो ये है
डीवीएस बैंक। नेक्स्ट है, इसराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो ये है नफ्ताली बेनेट। वर्ष 2021 को वर्ष के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? यहाँ पर ये दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविक, और ये सर्बिया से है। किस पूर्व भारतीय ऑलराउंडर खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? वीनू मांकड। 14 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व रक्तदाता दिवस। किस कंपनी ने संक्रमण रोधी 3D प्रिंटेड मास्क तैयार किया है? थिनसर टेक्नोलॉजिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने। किस केंद्र शासित प्रदेश को स्वच्छ भारत मिशन के पहले चरण के तहत खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है? तो ये लद्दाख है। कन्नड़ फिल्म के किस अभिनेता का बाइक से गिर जाने के कारण निधन हो गया? ये है संचारी विजय। भारत के प्रमुख शॉर्ट वीडियो ऐप मोज से जुड़ने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? ऋषभ पंत। बांग्लादेश तथा स्कॉटलैंड के किस खिलाड़ी को क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में मई महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो ये क्रमशः है मुशफिकुर रहमान बांग्लादेश और कैथरीन ब्राइस स्कॉटलैंड। अंक टॉट का महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है रिबेका ग्रीन स्पेन कोस्टा रिका की। मध्य प्रदेश कोविड-19 महामारी पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए किस अभियान को शुरू करने जा रहा है? तो ये है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश कौन बन गया है? इजराइल। 15 जून 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। $15,000 का गेलफैंड चैलेंज चेस का खिताब जीतकर विश्व के दूसरे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? डी गुकेश। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में 114 देशों की सूची में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? 114। आईसीसी द्वारा जारी पुरुष टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में पहले नंबर पर कौन है? स्टीव स्मिथ, और ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। ई स्पोर्ट्स प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? यह है अभिनेता टाइगर श्रॉफ। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ मिला है? अफ्रीकी देश बोत्सवाना में। 17 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। पंजाब एकता पार्टी ने किस पार्टी के साथ विलय की घोषणा की है? कांग्रेस। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को माइक्रोसॉफ्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये है सत्या नडेला। चीन ने लॉन्ग मार्च 2F के जरिए किस मानव युक्त अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया है? तो ये है सेन जो 12। दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले कश्मीर के पहले नागरिक कौन बने हैं? तो ये हैं महफूज इलाही। कुलग्राम जिला जम्मू कश्मीर के हैं। भारतीय युद्ध पोत त्रिकंड अदन की खाड़ी में किस नौसैनिक अभ्यास में पहली बार हिस्सा लिया है? एनईयू नेवफोर। जाम्बिया के प्रथम राष्ट्रपति और संस्थापक का निधन हो गया, उनका क्या नाम था? तो ये थे केनेथ कोंडा। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? 135वें। किस भारतीय समकालीन कलाकार को 9वें ऑर्डेंस मुंडी पुरस्कार से नवाजा गया है? प्रभाकर पाचपुते को। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर किस महान धावक का कोविड-19 के कारण निधन हो गया? मिल्खा सिंह। पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और किस देश ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भूटान। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना तथा मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के नाम से दो महत्वाकांक्षी योजनाएं किस राज्य सरकार की हैं? बिहार की। 20 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व शरणार्थी दिवस। ओडिशा सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए वित्तीय सहयोग के लिए किस योजना की घोषणा की है? आशीर्वाद योजना। किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2021 को मनाया गया? तो योग फॉर वेल बीइंग। प्रधानमंत्री स्टीफन लोफ विन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव मत पारित कर दिया गया, वे किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो ये स्वीडन के हैं। अमेरिका में किस समुद्री तूफान ने भारी तबाही मचाई? क्लाउड डेट नाम है इसका।
फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है 2021 का? तो ये जीता है रेड बुल की मैक्स वेरस्टैपेन ने। जम्मू कश्मीर की किस महिला को भारतीय वायुसेना में महिला फाइटर बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो ये है माव्या सूदन। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? मनप्रीत सिंह को। उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थापित शूटिंग रेंज को अब किस प्रख्यात निशानेबाज के नाम से जाना जाएगा? चंद्रो तोमर। अरुणाचल प्रदेश की किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की कोच समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो ये है डॉक्टर तडांग मीनू। यूरोपीय पुरस्कार आविष्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सुमित्रा मित्रा को। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस एथलीट कौन होंगे? वेट लिफ्टर लॉरेंस हबर्ड। कौन सा राज्य मगरमच्छों की तीन प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य बन गया है? उड़ीसा है ये। 23 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान के अनुच्छेद 224 के उपबंध 1 के तहत प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए बॉम्ब तथा केरल उच्च न्यायालय में, ये बॉम्बे होगा, बॉम्बे तथा केरल उच्च न्यायालय में कितनी अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए हैं? मुंबई में 4 तथा केरल में 1। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस देश ने हासिल किया है? न्यूजीलैंड ने। जमैका की किस महिला धाविका ने 100 मीटर विश्व रिकॉर्ड द्वारा फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉयनर के बाद अब तक की दूसरी सबसे, ये प्रश्न पूरा नहीं दिया गया है तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है करणम मलेश्वरी। गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास के लिए किन दो मंत्रालयों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? बंदरगाह मंत्रालय एवं संस्कृति मंत्रालय। टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए भारत का आधिकारिक गीत लक्ष्य तेरा सामने है को किसने गाया है? मोहित चौहान ने। जीनोम सीक्वेंसिंग सुविधा विकसित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये है राजस्थान। कोचिंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को किस पुरस्कार से नवाजा गया है? रोल ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार। 25 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? नाविक दिवस एवं विटिलको दिवस। 3 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र। किन दो शहरों को संयुक्त रूप से स्मार्ट सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है और गुजरात के सूरत को। डीआरडीओ ने ओडिशा के बालासोर के चांदीपुर में एक एकीकृत परीक्षण रेंज से किस सब सोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? निर्भय। 26 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस। विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया है? अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान। रेबीज से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? गोवा। स्वीडन के किस प्रधानमंत्री ने विश्वास मत हासिल करने में विफल रहने के कारण त्यागपत्र दे दिया? स्टीफन लोपविन। भारतीय तीरंदाज अतनु दास और दीपिका कुमारी ने 23 तीरंदाजी विश्व कप चरण 3 में मिश्रित युगम स्पर्धा में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा है? तो स्वर्ण पदक जीता है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 100 मेडिकल कॉलेजों में भारत के कितने मेडिकल कॉलेजों को शामिल किया गया है? तो 6 हैं इसमें। डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये अग्नि 2 है। 29 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? सांख्यिकी दिवस। उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को कब तक वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने का निर्देश दिया है? तो ये 31 जुलाई तक। किस देश ने यूरो कप के लगातार मैचों में 5 गोल करने वाली पहली टीम होने का नया यूरो रिकॉर्ड बनाया है? तो स्पेन है। पटियाला में राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में किसने गोला फेंक स्पर्धा का स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो ये हैं तजिंदर पाल सिंह तूर। जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पत्रकार पी साई नाथ को। किन दो देशों के बीच बाकू में संयुक्त सैन्य अभ्यास मुस्तफा केमल अतातुर्क 2021 शुरू हुआ है? तुर्की और अजरबैजान।
राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के किस पूर्व अध्यक्ष को प्रोफेसर पी सी महाल नोबिस राष्ट्रीय लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है? डॉक्टर आर बी वर्मन। 30 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस एवं राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस। ISSF विश्व कप शूटिंग में किस भारतीय निशानेबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? राही सरनोबत ने। क्रिकेट के सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? शेफाली वर्मा। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करेगी? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। डोप टेस्ट में फेल होने के कारण प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? अंशुला राव। भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को किस वर्ष कमीशन किया जाएगा? 2022 में। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 कहाँ आयोजित होगा? संयुक्त अरब अमीरात में। किस देश ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया है? चाइना ने बनाया है। किस जगह पर एशिया के सबसे लंबे नेशनल हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया है? इंदौर के पीथमपुर में। 1 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? चिकित्सक दिवस और GST दिवस मनाया गया। किसने वायुसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? एयर मार्शल विवेक राय चौधरी ने। टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म समारोह 2021 में किस फिल्म ने वृत्त चित्र खंड सर्वश्रेष्ठ जीवनी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? डिकोडिंग शंकर। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? 100वें और प्रथम स्थान पर है अमेरिका। 7वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी कहाँ पर संपन्न हुआ? फ्रांस में। किस बैंक ने देश भर में डॉक्टरों को श्रद्धांजलि देने के लिए तथा महामारी के दौरान अथक सेवा के लिए उनका आभार व्यक्त करने के लिए सलाम दिल से पहल की शुरुआत की? तो ये HDFC बैंक ने किया। वर्ष 2020 का कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? ओडिशा के कवि हैं डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा। 1 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस। डोनाल्ड एम्स फील्ड का निधन हो गया, वे किस देश के पूर्व रक्षा सचिव थे? तो अमेरिका के थे। सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारतीय मूल के अमेरिकी अभिमन्यु मिश्रा, इनकी उम्र है 12 साल। तीरथ सिंह रावत ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? तो उत्तराखंड के। 2 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व खेल पत्रकार दिवस। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो 20वें और प्रथम स्थान पर अमेरिका है। LIC अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति आयु कितने वर्ष तक बढ़ाई गई है? तो 62 वर्ष तक कर दी गई है। टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन बनी है? माना पटेल। किसको राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में सरकारी मान्यता मिली है? वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को। केंद्र सरकार ने कहां में राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में नई वैक्सीन परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दी है? हैदराबाद। 3 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। ओस्लो में डायमंड लीग एथलेटिक्स में पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ में किसने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो यह है नॉर्वे के कॉर्स्टन वारहोम। टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया है? मरियप्पन थंगावेल पैरा एथलीट के हैं। WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो ये है चाइना। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन बन गया है? गोवा। उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? पुष्कर सिंह धामी ने। कोयला उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन है? तो इस समय कोयला उत्पादन में 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ शीर्ष स्थान पर है। कहाँ पर सेना के C-130 हरक्यूलियस परिवहन विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 45 लोगों की मौत हो गई? तो ये फिलीपींस का है। नए तियागोका अंतरिक्ष स्टेशन पर पहला स्पेस वॉश किसने पूरा किया? चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने। गोल्ड मनी एशियन रैपिड ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता है? आर्मेनिया के लेवोन अरोनियन ने।
fightchess.com महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता है? चीन की हो ईफान ने, और उपविजेता है भारत की डी हरिका। फार्मूला वन ऑस्ट्रियन ग्रांड प्री किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपेन रेड बुल ने। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का वाहक किसे चुना गया है? एमसी मैरी कॉम मुक्केबाज और मनप्रीत सिंह हॉकी के हैं। टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन होंगे? पहलवान बजरंग पूनिया। भारत में अमेरिका के नए राजदूत का कार्यभार किसने संभाला है? अतुल केशव ने। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने पठन एवं संख्यात्मक कौशल में प्रवीणता के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? निपुण भारत। महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? मिताली राज, ये भारत की है। किस शहर में किस भारतीय शहर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? जयपुर, राजस्थान में। त्रिपुरा के नए लोकायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? के एन भट्टाचार्य। किस देश ने बेहतर मौसम पूर्वानुमान हेतु एक नया उपग्रह FY3E लॉन्च किया है? चीन। किस राज्य सरकार ने COVID-19 पीड़ितों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री COVID-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है? दिल्ली सरकार। ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक वर्चुअली किसके द्वारा आयोजित की गई? भारत के द्वारा। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा जलीय कृषि किसानों के लिए कौन सा ऑनलाइन पाठ्यक्रम मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? मत्स्य सेतु। गाय के गोबर से बने खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? नितिन गडकरी। सुपरमैन लीथल वेपन के निदेशक का निधन हो गया, उनका क्या नाम था? रिचर्ड डोनर। एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड का एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? कोरियन एयर ने जीता है। 6 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व जूनोज दिवस। किस दिवंगत अभिनेता का 98 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया? तो ये दिलीप कुमार है, पूरा नाम इनका था मोहम्मद यूसुफ खान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं धर्मेंद्र पाल। 7 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व चॉकलेट दिवस। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का शिमला में हो गया? यहाँ पर ये प्रश्न पूरा नहीं दिया गया है, या तो इनका निधन हो गया है तो ये हिमाचल प्रदेश के थे, यहाँ पर लिखा नहीं गया है। नेक्स्ट है शिवगिरी माधोम मठ है ये। किस पूर्व प्रमुख का तिरुवनंतपुरम में निधन हो गया? तो ये है स्वामी प्रकाशानंद। फिच ने 2020-21 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान 12.8% से घटाकर कितना कर दिया है? तो अब 10% कर दिया गया है। किस देश के राष्ट्रपति जोवेनिल मोइस की राजधानी पोर्ट आ प्रिंस में घर पर हत्या कर दी गई? तो ये हैती के थे। किस पूर्व हॉकी खिलाड़ी का कोलकाता में निधन हो गया? केशव चंद्र दत्त। महिला एशियाई कप 2022 कहां पर आयोजित किया जाएगा? मुंबई और पुणे में। ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? एन वेणुधर रेड्डी ने। 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां आयोजित किया जाएगा? गोवा में। एसोचैम किसे GEM-5 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया है? अबीबगंज रेलवे स्टेशन की इमारत को। प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु को। किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद के गठन प्रस्ताव पारित किया है? पश्चिम बंगाल। भारतीय सेना के किस अभिनेत्री के नाम पर अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है? तो भारतीय सेना ने विद्या बालन के नाम पर रखा है ये। भारत का पहला फास्टैग आधारित पार्किंग सुविधा किसे मिला है? नई दिल्ली कमिश्नरी ग्रेड मेट्रो स्टेशन को। बेलग्रेड में सर्बिया ओपन शतरंज का खिताब किसने जीता है? भारतीय ग्रैंड मास्टर निहाल सरीन ने। किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया है? डेनमार्क ने। इसकी ऊंचाई कितनी है? 21.16 मीटर। भारतीय नौसेना पोत INS तबर ने किस देश के नौसेना के साथ सैन्य अभ्यास किया? तो ये किया है इतावली नौसेना के साथ में। भारत का पहला मीठे पानी की चल सुरंग
एक्वेरियम किस रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया जाएगा? क्रांतिवीरा, संगोली रामार्ण रेलवे स्टेशन, बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन भी कहते हैं इसे। बासिल राजपक्षे किस देश के नए वित्त मंत्री बने हैं? श्रीलंका के। अमेज़न ने भारत के किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है? सूरत। वर्ष 2021 का स्क्रब नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता किसने जीता है? जाइला अवांत गॉर्डे ने। नेशनल फिल्म अकाइव ऑफ इंडिया ने किस फिल्म को अपने संग्रह में जोड़ा है? आमिर खान की पीके को। किस राज्य द्वारा जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 पेश किया गया? उत्तर प्रदेश के द्वारा। किस आयुर्वेद चिकित्सक का निधन हो गया है? तो यह है डॉक्टर वी के वॉरियर। 10 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक कहाँ आयोजित की गई? वेनिस में। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया? एरिक कॉर्सेटी को। 10 जुलाई 2021 को विंबलडन टेनिस 2021 में पुरुष तथा महिला एकल का खिताब किसने जीता है? क्रमशः नोवाक जोकोविक और एस्ले बॉटी ने। भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक गैर बीज वाले पौधे का उद्यान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ये क्रिप्टोगैमिक क्या होता है? गैर बीज वाले पौधे होते हैं। इस उद्यान का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड के देवबन में। देश के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये नागपुर में किया गया है, महाराष्ट्र। किस देश ने कोविड-19 के लिए दुनिया का पहला संयुक्त टीका 3 शॉट सोबराना 2 विकसित किया है? तो ये क्यूबा ने किया है। ट्विटर ने भारत के लिए शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया? ये विनय प्रकाश नाम है इनका। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बनी? सिरिसा वंदला। 11 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व जनसंख्या दिवस। कोपा अमेरिका 2021 का खिताब किसने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है, ब्राजील को हराकर। यूईएफए यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप यूरो 2020 किसने जीता है? इटली ने इंग्लैंड को हराकर जीता है। क्रोएशिया ग्रैंड शतरंज टूर किसने जीता है? मैक्सिम वॉचियर लॉग्रेव और ये फ्रांस के हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हरियाणा में। किस देश ने 679 मेगावाट लोअर अरुण इलेक्ट्रिक हाइडल परियोजना के लिए भारत के साथ समझौता किया है? नेपाल ने। 12 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस। किस देश के खिलाड़ी महमूदुल्ला रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये बांग्लादेश के हैं। किस भारतीय मूल के खिलाड़ी ने विंबलडन 2021 में जूनियर एकल का खिताब जीता है? तो ये हैं समीर बनर्जी। सार्वजनिक उद्यम विभाग को किस मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया है? वित्त मंत्रालय में। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने। एनटीपीसी कहाँ पर भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित करेगा? गुजरात के कच्छ के रण में। भारत की कौन सी संस्था रूस की स्पुतनिक 5 वैक्सीन का उद्घाटन करेगी? सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई के भीम यूपीआई क्यूआर आधारित भुगतान को अपनाने वाला पहला देश कौन है? भूटान। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये नए नेपाल के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, शेर बहादुर देउबा। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च की है? कर्नाटक ने। किसे जून 2021 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है? डेविन कॉनवे न्यूजीलैंड के हैं ये। किसे जून 2021 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? सोफी एक्लेस्टोन इंग्लैंड की हैं ये। किस राज्य की सरकार ने आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु नया विभाग सृजित करने की घोषणा की है? तो ये असम की सरकार ने किया है। BKS साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? NN पिल्लई को। यूरो 2020 गोल्डन बूट किसने जीता है? पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो।
भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? पटना में। भारतीय नौसेना को अमेरिका स्थित एरोस्पेस कंपनी से कौन सा पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान प्राप्त हुआ है? तो ये PHI नाम है इसका। राज्यसभा में सदन का नेता किसे बनाया गया है? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को। इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बन गया है? संयुक्त अरब अमीरात। जिम्नास्टिक ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? दीपक कामरा। यहाँ पर दिया गया है किस देश को वर्ष 2023 का WWF सुदीर्मन कप की मेजबानी मिली है? तो चाइना को दी गई है। किस देश को वर्ष 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है? भारत। T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? क्रिस गेल, और ये वेस्टइंडीज के हैं। भारत किस देश को रेलमार्ग से पहली बार कपास की गांठें भेजी हैं? बांग्लादेश को। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित शंघाई सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व तो किसने किया? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। समुद्री सुरक्षा पर त्रिपक्षीय टेबल टॉप अभ्यास किन देशों ने इसमें भाग लिया? समुद्री सुरक्षा त्रिपक्षीय टेबल टॉप अभ्यास में तो भारत, श्रीलंका और मालदीव ने। 15 जुलाई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व, यहाँ पर 15 जुलाई 2021 है, 20 नहीं है, विश्व युवा कौशल दिवस। टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे को किसने लॉन्च किया? AR रहमान। गायिका अनन्या बिरला है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 28%। भारत के किस शहर में पहला ग्रेन ATM खुला है? तो ये हरियाणा के गुरुग्राम में खोला गया है। मंडुआ डेह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? बनारस जंक्शन। किसने दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फॉर्मों में एक का अनावरण किया है? सिंगापुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां में रुद्राज सम्मेलन का उद्घाटन किया? वाराणसी में। किस अभिनेत्री का निधन हो गया? तो ये है सुरेश सीकरी। विश्व हिंदू परिषद विहिप का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह को। 17 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। भारतीय नौसेना को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों की पहली खेप प्राप्त हुई, इसे किसने बनाया है? अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन ने। अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान का नया क्वाड ग्रुप बनाएंगे, इस क्वाड ग्रुप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता स्थापित करना। किस राज्य सरकार द्वारा वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना शुरू की गई? हरियाणा के राज्य सरकार के द्वारा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम बदलकर क्या करने की मंजूरी दी है? तो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय। औपचारिक रूप से कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने वाला भारत का पहला न्यायालय कौन बना है? गुजरात। असम के किस जिला ने राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार जीता है? तो ये कछार का जिला है। 74वें कौन फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार पाल्म डी और किसे दिया गया? तो ये फिल्म टाइटन को दिया गया है। 74वें कौन फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए गोल्डन आई का पुरस्कार किसने जीता? भारतीय निदेशक पायल कपाड़िया की ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग को। वन हैंड कैन फीडर अदर थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? 18 जुलाई 2021 को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। सरकार ने पेंशन फंड प्रबंधन में FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर कितनी करने की सूचना जारी की है? 74। भारत के जयनगर से किस पड़ोसी देश के बीच रेलगाड़ी का सफल परीक्षण किया गया? नेपाल के कुर्था। किस वायरस के कारण चीन के पशु चिकित्सक की मौत हो गई? मंकी भी। मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? रमेश मेरोला को। छत्तीसगढ़ में रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने लुप्त प्राय के स्थान की नई किस्म को विकसित किया है? विश्व को सुगंधित। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
ने कितने क्षेत्रीय भाषाओं में बीटेक पाठ्यक्रम को मंजूरी दी है? 11 भाषाओं में। यूरोपीय संघ के कितने देशों ने कोविशील्ड को मान्यता दे दी है? 16। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने एसोसिएट मेंबर्स के तौर पर किन देशों को शामिल किया है? मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड। अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड का नया CEO किसे बनाया गया है? तो ये हैं RK जैन। भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद ने किसे हरा कर स्पार्क सेंट ट्रॉफी जीत ली है? रूस के व्लादिमीर क्रैमनिक को। सऊदी अरब ने महिलाओं को किस तीर्थ स्थान की बिना अभिभावक के यात्रा करने की मंजूरी दी दी है? हज यात्रा। राज्यसभा में सदन का उपनेता किसे नियुक्त किया गया? मुख्तार अब्बास नकवी को। किस राज्य ने किसानों को खेती के लिए करवाए गए बिजली कनेक्शन पर हर महीने ग्रांट के रूप में ₹1,000 देने हेतु मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना शुरू की है? राजस्थान ने। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में चीन से लाए गए किस फल का फील्ड परीक्षण किया गया? मोंग फल। भारत का पहला बालिका पंचायत चुनाव सफलतापूर्वक कहाँ संपन्न हुआ? गुजरात के कुंडरिया गांव में। वनडे क्रिकेट में 6,000 रन बनाने वाले भारत के 10वें खिलाड़ी कौन बन गए हैं? शिखर धवन। भारतीय विरासत संस्थान को कहाँ पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में। ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। 20 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व शतरंज दिवस। भारतीय वायुसेना के सारंग हेलीकॉप्टरों ने रूस के किस एयर शो में पहली बार भाग लिया? मॉक्स इंटरनेशनल एयर शो। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रोपर में चिकित्सा ऑक्सीजन सिलेंडर की उपयोग क्षमता 3 गुना बढ़ाने के लिए किस उपयोग को विकसित किया है? MLINX। किस देश ने तीसरे बच्चे के जन्म पर जुर्माने सहित सभी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है? चीन ने। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सैनिकों का दूसरा सबसे बड़े सहयोगकर्ता कौन बन गया है? नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने 138वें IOC सत्र में कितने खेल महासंघों को पूर्ण मान्यता प्रदान की है? 6। ICC महिला वनडे रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है? मिताली राज। किस राज्य सरकार ने राज्य की औद्योगिक नीति के अंतर्गत फार्मास्यूटिकल उद्योग में निवेश हेतु विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी है? छत्तीसगढ़ की सरकार ने। मिशिगन की 25 वर्षीय वैदेही डोंगरों को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? मिस इंडिया USA 2021। SCLTech का नया अध्यक्ष एवं MD किसे नियुक्त किया गया है? C. विजय कुमार। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी IOC देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित करेगी? मथुरा रिफाइनरी में। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 किसे चुना है? संदेश छिंगन को। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने महिला फुटबॉल ऑफ द ईयर 2020-21 किसे चुना है? बाला देवी को। वार्षिक IAFF पुरस्कार 2020-21 में किसे महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? बाला देवी को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? पान की मोन को। किस देश ने 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैगलेव ट्रेन का अनावरण किया है? चीन ने। दुनिया के किस अमीर व्यक्ति ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा अपनी स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के स्पेस शिप न्यू शेपर्ड और कैप्सूल के माध्यम से की? जेफ बेजोस अमेज़न के संस्थापक हैं ये। किस देश ने S-500 वायु रक्षा मिसाइल सिस्टम का परीक्षण कर लाइव वीडियो जारी की है? रूस ने। पेरू के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? पेड्रो कोस्टिलो। फेडरल बैंक ने ग्राहकों को किसी भी समय बैंकिंग से संबंधित प्रश्नों की मदद के लिए किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट को लॉन्च किया है? तो ये है फिडी। कर्नाटक शैली के जाने माने किस वायलिन वादक का चेन्नई में निधन हो गया? कलईमा मरी। सिक्किल श्री आर भास्करन। हैदी के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? एरियन हेनरी। यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के किन शहरों को ऐतिहासिक शहरी लैंड इसके परियोजना के लिए चुना है? ग्वालियर और ओरछा। हॉकी इंडिया ने खिलाड़ियों के लिए किस खिलाड़ी मंच का शुभारंभ किया है? हीरोज कनेक्ट। ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी किस
मेजबानी किसने जीत ली है ऑस्ट्रेलिया के 2032 के ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी किसने कहां पर किया जाएगा, तो ये ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में। भारतीय जूनियर जेवलिन थ्रो टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है, गुरप्रीत कौर को। आडियो एक्सेसरीज ब्रांड पेट्रॉन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, अभिनेत्री पूजा हेगड़े को। यूनेस्को ने किस शहर से उनकी प्रतिष्ठित विश्व धरोहर का दर्जा छीन लिया है, लिवरपूल इंग्लैंड का ये एक शहर है। 22 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया, विश्व मस्तिष्क दिवस। इटली के नेपल्स में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर G20 देशों के पर्यावरण मंत्रियों के शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया है, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए किस योजना की शुरुआत की है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। किन दो देशों की सेनाओं ने पैसेज अभ्यास में भाग लिया, भारतीय सेना और यूके की रॉयल नेवी ने। कोल्लम जिले के प्रकुलम का की निवासी भारतीय नारी शक्ति पुरस्कार प्राप्त किस महिला का निधन हो गया, भागीरथी अम्मा का। 23 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। बेलारूस के वेलेरिया मिकिसिच को हराकर 23 किलोग्राम वर्ग में कैडेट कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है, भारतीय पहलवान तनु ने। पहली बार देश से बाहर नीट स्नातक परीक्षा 2021 का केंद्र कहां खोला गया, दुबई में। बांग्लादेश के किस प्रसिद्ध लोक गायक का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया, फकीर आलमगीर का। फाइजर और बायो एन टेक ने कहां पर कोविड-19 वैक्सीन उत्पादन करने के लिए समझौता किया है, दक्षिण अफ्रीका। 24 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया, आयकर दिवस। टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था, मीराबाई चानू ने रजत पदक। 49 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 202 किलोग्राम भार उठाकर। दिव्यांगजनों को रोजगार परक प्रशिक्षण देने वाले गैर सरकारी संस्थान सार्थक शिक्षा न्यास ने किस ऐप का अनावरण किया है, रोजगार सारथी। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ब्रिज कहाँ बना है, नीदरलैंड की राजधानी में एम्स्टर्डम में। हरियाणा राज्य सरकार ने विकास कार्यों से जुड़ी कोई शिकायत या फिर कोई सुझाव देने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है, ग्राम दर्शन पोर्टल की। SpaceX और नासा ने कहाँ पर मिशन को लॉन्च करने के लिए एक अनुबंध किया है, बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर। प्रख्यात मराठी कवि का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका क्या नाम है, सतीश कालसेकर। किस राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है, ओडिशा की सरकार ने। अमेरिका के किस मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जैकी मेसन। वर्ष 2019 के लिए दिव्यांग स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, पैरा सटलर प्रमोद भगत को। तेलंगाना के किस मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है, कोपती रुद्रेश्वर रमप्पा मंदिर, ये कहाँ पर है, तेलंगाना में। भारत में इथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बन गया है, उत्तर प्रदेश। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म कहाँ बनाने की योजना बनाई गई है, इंडोनेशिया। ब्रिटिश सरकार द्वारा अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, वाइस एडमिरल विनय बदवार को। कारगिल विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, 26 जुलाई 2021 को, 22वीं। 26 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया, विश्व मैंग्रोव दिवस। उत्तराखंड से कृषि उपज के निर्यात को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए किस देश को सब्जियों की पहली खेप भेजी गई, संयुक्त अरब अमीरात को। केंद्र ने खेलो इंडिया योजना के तहत एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए कितने प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता दी है, 236। BS येदियुरप्पा ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, तो ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व कैडेट चैंपियनशिप 2021 में 73 किलोग्राम भार वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो ये है भारतीय जूनियर पहलवान प्रिया मलिक। डिजिटल क्रांति शोध भारत का बाती भारत की के अंतर्गत कोई भी अब भारतीय ज्ञान संपदा अर्जित कर सकता है, इसे किसने शुरू किया है, पुणे की भीष्म इंडिक फाउंडेशन ने।
किस देश की अदालत ने भगोड़े भारतीय कारोबारी विजय माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया है? ब्रिटेन ने। बांग्लादेश ने किस नाम से अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा की है? जोगा जोग। भारतीय नौसेना का जहाज तलवार ने अफ्रीका के पूर्वी तट पर किस अभ्यास में भाग लिया? कटलेस एक्सप्रेस 2021 में। ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्केच बोर्ड स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता है? जापानी छात्रा है ये, मोमोजी निशिया। किस कन्नड़ अभिनेत्री का 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ये है जयंती। किस देश के निशानेबाज यांग कियान ने टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जीता? तो ये चीन के हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता के संवाद के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? मेरी सरकार। गृह मंत्री अमित शाह ने मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स में के सोहरा में बहुप्रतीक्षित किस जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया है? ग्रेटर सोहरा चेरापूंजी जलापूर्ति योजना। 27 जुलाई 2021 को सीआरपीएफ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 83वां। यूनेस्को द्वारा हड़प्पा कालीन किस नगर को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? ये गुजरात का धोलावीरा है। मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसने की? उज्बेकिस्तान ने। विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें शामिल हुए थे। केंद्र सरकार ने किस दाल आयात पर शुल्क घटा दिया है? मसूर की दाल पर। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? बसवराज बोम्मई। नागरिक उड्डयन ब्यूरो सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? नासिर कमल को। ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट काम शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? पुरी ओडिशा। किस देश के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर रहे? तो ये अमेरिका के हैं। ओलंपिक में सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता कौन बनी है? तो ये है जापान की मोमिजी निशिया, 13 साल की हैं ये। 28 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व हेपेटाइटिस दिवस। आनुवंशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? फिलीपींस। 28 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। अर्जुन पुरस्कार विजेता किस महान बैडमिंटन खिलाड़ी का निधन हो गया? तो ये है नंदू नाटेकर। 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला पहला शहर कौन बना है? पूरी ओडिशा। 29 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। नागालैंड के किस मिर्च की पहली खेप को लंदन भेजा गया? राजा मिर्च। किस राज्य की सरकार ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवारण्य योजना बनाई है? मध्य प्रदेश सरकार। लिबनान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नजीब मिकाती। ब्राजील के किस लैंडस्केप गार्डन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? सिटियो बुरले मार्क्स। अमेरिका ने कहाँ में 18 साल बाद अपना युद्ध मिशन को समाप्त करने के लिए समझौता किया है? इराक। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर इंदौर कौन है? तो ये इंदौर है मध्य प्रदेश का। किस राज्य की विधानसभा ने अपना पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु एक विधेयक पारित किया है? बिहार। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर कौन बनाए गए हैं? राकेश अस्थाना। ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? कर्नाटक। मारुति सुजुकी ने युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? सावित्री बाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के साथ। आरबीआई ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सरकार को जम्मू कश्मीर बैंक में कितनी हिस्सेदारी की मंजूरी दी है? 8.23%। गूगल अभिभावक अल्फाबेट औद्योगिक रोबोट बनाने के लिए किस नाम से कंपनी लॉन्च करेगी? इंस्टिक। 1 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। भारत रूस के मध्य किस अभ्यास का 12वां संस्करण का आयोजन दक्षिणी रूस वोल्गोग्राड क्षेत्र में हुआ? इंद्र 2021। तो इस वीडियो में हमने टोटल जितने भी दिए गए हैं वन लाइनर प्लस स्पीडी के सभी देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे जो स्टार्टिंग के चैप्टर दिए होते हैं उन सभी को। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पर ये कौन कहाँ क्या नवीनतम मंत्री। तो यहाँ पे 2-3 घंटे में जितने भी चैप्टर फिनिश हो पाएंगे हम उतने चैप्टर करेंगे। उसके बाद में हम पार्ट टू लेकर इसमें सभी चैप्टर खत्म कर देंगे। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आज इस वीडियो में बस इतना ही।